रिकॉर्डिंग के लिए हाँ जी सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। जी, आज की इस ज्ञान परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आज का जो विषय है, आप सभी उससे परिचित हैं, अपनी स्क्रीन्स पे आप देख पा रहे हैं। और इस सारे विषय को लेकर के बहुत तरह के हमारे प्रतिसंवेदन और प्रतिक्रियाएं हैं, रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस हैं, रहेंगे। लेकिन उसको परिभाषित करना और उनका विश्लेषण करना, ये हमारा आज का एकेडमिक कर्म है, हमारा दायित्व है। और पिछले 70-80 वर्षों में जो कुछ चलता आ रहा है और जिस रूप में चलता आ रहा है, उसको ये एक बार पुनः विश्लेषित करने का प्रयास है। और जैसा कि मैं हमेशा किसी भी वेबिनार के शुरू में दो एक बातें आप लोगों से साझा करता हूं, क्योंकि इस बार कुछ नए लोग जुड़े हैं, इसलिए उनके साथ भी ये बात साझा करना जरूरी है कि जब भी हम वेबिनार करते हैं तो उसका पर्पस केवल मात्र इतना होता है कि हम अपने ज्ञान का विस्तार करें, अपनी बुद्धियों को जरा सूक्ष्म करने का प्रयास करें और अपने आर्गुमेंट्स जो हैं उनको जो है वो ज्यादा संवेदनशील बनाने का प्रयास करें। इसीलिए हम लोग विद्वान वक्ताओं को, स्कॉलर्स को आमंत्रित करते हैं कि वो हमें ये बता सकें कि हमने देखना कैसे है और देखना क्या है, ये दो बातें हैं। तो ये जो सारा विषय आज आप अपने ऊपर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें हम दो बातें देख रहे हैं कि संस्कृत और अंग्रेजी भाषा और उनके आपस के जो संबंध है, जिसको आप एम्बिवेलेंट कह सकते हैं, राग द्वेषपूर्ण, तो उस किस रूप में रहे हैं और किस तरह से उनकी अभिव्यक्ति हुई है, इस सारे विषय को हम समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे आज के जो मुख्य वक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनका उनसे परिचय मैं अभी आपको इस वक्तव्य के बाद उनसे परिचय कराऊंगा। शुरू के 5-7 मिनट में आप लोगों के साथ लूंगा कि इस सारी बातचीत की पृष्ठभूमि स्पष्ट करने के बाद, और फिर उसके बाद हम मुख्य वक्तव्य सुनेंगे। आप अपनी स्क्रीन के थोड़ा नीचे की ओर देखिए तो एम्बिवेलेंस, राग द्वेष के दाईं ओर बाईं ओर आप देखेंगे कि संस्कृत भाषा और साहित्य की जो आधार भूमि है वो आपकी कृषि आधारित है। आपकी सारी की सारी संस्कृत भाषा और साहित्य कहाँ से आ रहा है? एग्रीडियन कल्चर बेस्ड है, एग्रीडियन लैंग्वेज है और एग्रीडियन कल्चर है। और इसलिए उसके अगर आप जो अंडर करंट्स है उनको भी अगर आप देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और अगर आपने थोड़ा बहुत संस्कृत साहित्य को ठीक से जाना और समझा है, तो आप देखेंगे कि वो सेंस ऑफ इंक्वायरी से और एस्थेटिक्स की ओर चलता है। आपको कहीं उपनिषदों से लेके, वेद से लेकर के और लेटर पीरियड के जो पुराण और बाकी सारा साहित्य है, आपको उसमें यही दो चीजें मिलेंगी कि वहां कोई ना कोई प्रश्न है और फिर उस प्रश्न की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आप कल्मिनेशन है वो एस्थेटिक वैल्यूज में चली जाती है। और ये सारी प्रमाण है, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे ये सारी फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, ये सारे उस बात के प्रमाण है। और दूसरी तरफ जब आप अंग्रेजी साहित्य को देखते हैं तो संस्कृत की दृष्टि में अंग्रेजी के लिए जो पहला शब्द ध्यान में आता है वो म्लेच्छ शब्द आता है। और मैं समझता हूँ कि इसको आप नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा और ये कोई पॉलिटिकली भी कोई प्रयोग करने वाली बात नहीं है, केवल एक एकदम एकेडमिक स्तर पे इसको हम प्रयोग कर रहे हैं। और अब तो नॉवल भी आ चुका है मेलुहा, जिससे म्लेच्छ शब्द बना हुआ प्रतीत होता है और उसी संदर्भ में ये शब्द भी है। तो संस्कृत के रिस्पॉन्स में जो आंग्ल जिसे म्लेच्छ भाषा एवं साहित्य है उसका जो आधार है वो कहाँ है? उसकी इंडस्ट्री और जो बिजनेस है वो उसका आधार है, वहीं से वो उठ के आ रहा है। ये संस्कृत की मैं परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ कि संस्कृत की परसेप्शन, संस्कृत की अंडरस्टैंडिंग इस रूप में है। और जब आप पॉपुलर लिटरेचर अंग्रेजी का पढ़ते हैं, जो बहुत स्कॉलरली लिटरेचर है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं सिद्धार्थ और ये सारे, इनको छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप उनके वॉर नॉवेल्स को पढ़ें और बाकी सब नॉवेल्स को पढ़ें जो बड़े पॉपुलर हैं, तो आप देखेंगे कि वो सर्वाइवल के ऊपर सारा का सारा ज्यादा फोकस्ड है, जो प्राइमोर्डियल फियर और प्राइमोर्डियल हंगर के बीच में ही घूमता है। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि इस सारे विषय को
अपने तरीके से देखा और समझा भी है और उसको पढ़ा भी है, और जिस तरह का साहित्य वियतनाम वॉर से लेकर के सूडानीज वॉर और अफगानिस्तान वॉर के नॉवेल्स बड़े पॉपुलर रहे हैं, वो सारे भी देखने का थोड़ा बहुत मौका मिला। लेकिन उनके बीच में जो हमारे आज अध्ययन का विशेष केंद्र है, जिसमें कि ये सिद्धार्थ हर्मन हेस का वेस्टलैंड, जहाँ पे उपनिषदों का प्रयोग किया गया है, हर्मन हेस ने बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव का उपयोग किया है, सरपेंड एंड रोप राजा राव का आप सभी जानते हैं कि वेदांत के ऊपर ज्यादा फोकस है, गाइड है, और बाकी सारे मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह के सारे नॉवल से लिटरेचर से हम लोग परिचित हैं। तो इस रूप में संस्कृत का पर्सपेक्टिव अंग्रेजी लिटरेचर के बारे में ऐसा है। भाषा के बारे में हम थोड़ी बाद में बात करेंगे। अब इस सारे विषय को जानने और समझने के लिए हमने सादर आमंत्रित किया है प्रोफेसर डॉक्टर अक्षय कुमार जी को, जिनके पास बड़ा लंबा टीचिंग अनुभव तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो उनका वैशिष्ट है वो है उनका इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस। बहुत शार्प इंटेलेक्ट है और ऑल इंक्लूसिव इंटेलिजेंस उनके पास है, जिसके लिए हमने उनसे प्रार्थना की कि वो हमें इस विषय में दिशा निर्देश करें और हमारी बुद्धियों का विस्तार करें, इसके नए जो आयाम हो सकते हैं इस सारे विषय को देखने और समझने के, वो इस विषय में हमें बताएं। अब संस्कृत की दृष्टि से जब मैं इनके पास अप्रोच करने जाता हूं तो अपनी जो सीमित दृष्टि है उसमें अगर आप ये देखें वाई एक्सिस और एक्सिस के ऊपर, तो वाई एक्सिस पे देखते हैं कि संस्कृत का एक बड़ा पुराना शब्द है जिसे कहते हैं एवमेव दृष्टम। ये बेसिक सी बातें हैं संस्कृत में, लेकिन कोर्स में ये कभी पढ़ाई नहीं जाती और कभी भी पॉपुलर नैरेटिव में इसको कभी इंक्लूड किया नहीं जाता, और वो क्यों नहीं किया जाता उसके ऊपर भी हम बहुत जल्दी बात करेंगे। एवमेव दृष्टम का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एंगल से हम चीज़ों को हमने देखा होता है, और ये जो एक्स एक्सिस पे आप देख रहे हैं इसका मतलब है कि हमने एवं मया श्रोतम का मतलब है एक बड़े पर्टिकुलर एंगल से चीजों को सुना होता है। अब इसके बीच में जो आपका ज्ञान है वो एक बड़ा पर्टिकुलर एंगल पे होता है, उसमें एक बड़े एक सीमित सा और एक पर्टिकुलर एंगल उसमें रहता है। तो कुल मिला के आप अगर मोटे शब्दों में कहना चाहें तो हम लोगों की दृष्टि, जैसे हम अपने आप को जिस तरह से पढ़ा लिखा कहते हैं, तो हम लोगों की दृष्टि 30-45 डिग्री से ज्यादा की नहीं होती, हमारे देखने का नजरिया 45 डिग्री के एंगल से ज्यादा नहीं। और फिर उसमें को भी जब आप फर्दर डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो जाता है आपके कर्ता भोक्ता और ज्ञाता, कि एज ए डूअर व्हाट यू नो, एज ए भोक्ता इंजॉयर, इसके लिए मुझे शब्द मिला लेकिन अप्रोप्रिएट तो नहीं है क्योंकि भोक्ता की सेंस कुछ और होती है, तो उसको आप कैसे जानते हैं, और ज्ञाता के रूप में तो आप क्या जानते हैं, कैसे जानते हैं। तो इस सारे में दिशा निर्देश करने के लिए, ताकि हमारी जो बुद्धियां हैं, हमारा देखने का जो नजरिया है, परसेप्शन है, वो 45 डिग्री से 60 डिग्री 90 डिग्री तक फैले, इसीलिए हमने डॉक्टर प्रोफेसर अक्षय कुमार जी से निवेदन किया और उन्होंने हम स्वीकार किया, उसके लिए हम उनके आभारी हैं और उनका सादर अभिनंदन करते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं अब और बातें कर लूं 2-3 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों से, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि एक बार संस्कृत का पर्सपेक्टिव समझ लें तो जो संस्कृत से भिन्न दूसरे लोग हैं फिर उनकी बात सुनने और समझने में जो है वो ज्यादा सुख रहेगा। आंग्ल भाषा के जितने भी साहित्य है उसमें संस्कृत को लेकर के और भी बहुत सारे विषय हैं, लेकिन मुख्य रूप से ब्राह्मणवाद, स्त्रीगत जिसे आप वुमन कहते हैं, जातिगत, पाखंड और चरित्रगत, ये आक्षेप लगते हैं। इन्हीं को आधार बना करके जो है वो सारे के सारे लिटरेचर में आपको चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन आप कमाल की बात देखिए कि जब आप 1700 में जो वोल्टेयर है उसकी एक कहानी पढ़ते हैं, 1700 से शुरू कर रहा हूँ, वोल्टेयर की कहानी है ए गुड ब्राह्मण, और मैं बड़ा फैसिनेट हुआ था कि उस टाइम में उस व्यक्ति को ये लिखने की क्या जरूरत पड़ी और उसने उसके कोर को, उसके एसेंस को पकड़ा। लेकिन हम आज ब्राह्मण को क्या समझते हैं और किस तरह से हमने प्रोजेक्ट कर दिया वो एक बिल्कुल अलग बात है, मैं पढ़ के नहीं सुना रहा, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ताकि समय बच जाए। उसके बाद आप फिर नीचे आ जाते हैं, 1900 में आ जाते हैं, आपको मुल्क राजानंद के अनटचेबल, उसमें आपको बहुत सारे जो हैं रेफरेंसेस मिलते हैं, और फिर उसके बाद अनंत मूर्ति का संस्कार नॉवल, जिसे बहुत यूज किया गया एंटी ब्राह्मणिस्ट लॉबी के द्वारा,
लेकिन मुझे लगा कि दैट इज द बेस्ट नॉवल फॉर ब्राह्मणिकल स्पिरिट्स टू अंडरस्टैंड टू एक्सप्लोर. क्यों? क्योंकि सवाल वहां पे भी किसके पास है, इंक्वायरी, सेंस ऑफ इंक्वायरी किसके पास है, वो ब्राह्मण के पास ही है. और फिर आपको लेटर पीरियड में और आपको आके मिलता है सर्पेंट एंड द रोप जो राजा राव है, तो उसमें भी आपको इसी तरह के कई अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं. हाँ, ऑब्वियसली आपको बहुत सारा जो दलित लिटरेचर इंग्लिश में लिखा गया उसमें आपको बहुत सारी इसके अगेंस्ट चीजें भी देखने को मिलती हैं. अब एक शब्द और जो बड़ा महत्वपूर्ण है, जहां पर हम बिना सोचे समझे प्रयोग कर देते हैं, जिसके स्त्रीवाद की मैंने चर्चा की, स्त्री शब्द को, फेमिनिज्म, वुमेन स्टडीज आदि आदि. क्या आप जानते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं जानते ही होंगे, कि औरत शब्द का अर्थ क्या है और क्या है, और आप किस सेंस में उसको यूज करते हैं? आप अगर देखें उसकी हिस्ट्री को, क्योंकि लैंग्वेज की भी बात है और उसके साथ जुड़े हुए कल्चर की भी बात है, तो अवारत शब्द जो है वो डिफेक्टिवनेस, इम्परफेक्शन, ब्लेमिश, वीकनेस आदि आदि शब्द इस संदर्भों में ये प्रयुक्त होता है. और दूसरी तरफ जब आप वुमेन शब्द को प्रयोग कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि हम सभी लोग जो वुमेन शब्द को प्रयोग करते हैं उन्होंने इस चीज को जरूर पढ़ा हुआ होगा, दिस इज नाउ बोन ऑफ माई बोन्स एंड फ्लैश ऑफ माई फ्लैश, शी विल बी कॉल्ड वुमेन फॉर शी वॉज टेकन आउट ऑफ मैन. और इसलिए वहां पर वुमेन स्टडीज का होना तो बहुत जरूरी था. अब इस संदर्भ में आप स्त्री शब्द को, नारी शब्द को, जिसके लिए 242 शब्द आपकी संस्कृति में है, लेकिन क्या कभी हमने इनको प्रयोग किया? और कभी आपको एक भी शब्द इन 342 शब्दों में से वुमेन के इक्विवेलेंट मिल जाए तो आप मुझे बताइएगा, मेरा ज्ञान वर्धन करिएगा, नहीं तो मैं आप इसको चुनौती समझना चाहें चुनौती समझिएगा, या आप इसको ज्ञानवर्धन की बात करना चाहें तो उस रूप में भी देख सकते हैं. लेकिन एक भी शब्द ना वुमेन के अर्थ में है ना औरत के संदर्भ में आपको मिलने वाला है 342 शब्दों को. आप चाहेंगे तो मैं आपको साथ शेयर भी कर दूंगा, उनकी एटमोलॉजी भी शेयर कर दूंगा, उनके रेफरेंसेस भी शेयर कर सकते हैं. लेकिन आप अरुंधति राय जैसे लोग और उसके जो साथी हैं, जब उसको वो प्रयोग करते हैं तो किस संदर्भों में प्रयोग करते हैं? उस वुमेन को हमारे ऊपर थोप देते हैं, उस वुमेन की कॉन्सेप्ट को हमारे ऊपर थोप देते हैं. और उनके कंक्लूजन क्या होता है कि आई एम श्योर दैट दोज एपिक्स एंड पुराणास, इवन द गीता, वर ऑल रिटन बाय मेन, एंड द सेम मेन हु इन्वेंटेड द कास्ट सिस्टम, व्हेन विल यू लर्न टू लिसन टू द वॉइसेस ऑफ वुमेन? वुमेन की तो सुननी पड़ेगी, स्त्री तो आपके अर्धांगिनी है, तो आप स्त्री की क्या सुनेंगे और कैसे सुनाएंगे? बहुत कुछ है, लेकिन हम बाद में चर्चाओं में लेंगे. चलिए थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाते हुए अगले 2 मिनट में मैं बात को समाप्त करना चाहता हूँ. देखिए संस्कृत शास्त्रीय जी, प्लीज, आपको एक कुछ कह रहे हैं बीच में क्या जी? चलिए, तो संस्कृत के शास्त्रीय आचार विचार और व्यवहार की जो शब्दावली है वो तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ और आश्रम, वर्ण व्यवस्था जिसको हम जाति व्यवस्था के साथ और कास्ट के बना देते हैं, जिसको मैं अभी रेफरेंस भी दूंगा. और दूसरी तरफ आप जब इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो वहाँ बाय एंड लार्ज फ्रीडम, लाइफ, सेल्फ आइडेंटिटी, वुमेन, सर्वाइवल और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने मिलते हैं, जिसके आधार पर आपको बहुत सारे नॉवेल्स मिलेंगे जिनकी हम चर्चा, अगर मौका लगा तो पार्ट 2 पार्ट 3 में हम कर सकते हैं. अब मैं बड़ा ब्रीफली आपको ये एक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि संस्कृत की दृष्टि से हम कैसे देखते हैं अंग्रेजी नॉवल को और इसकी भाषा को और इसके अंडरकरंट्स जो है, और इसको हम क्लास में प्रयोग भी कभी कभी करते थे, अब तो मैं रिटायर हो गया. आप अंग्रेजी में देखिए तो आप जब भाषा का प्रयोग करते हैं आई एम एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप देखिए कि आप दो चीजों को अलग अलग करके ही चलते हैं. आपके बेसिक इथॉस में एक कॉन्फ्लिक्ट है, आप मैं हूं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है. लेकिन जब आप संस्कृत की ओर जाते हैं तो आप सारे का सारा ब्रह्मांड यहाँ पे स्थापित कर लेते हैं अहम अस्मि के बीच में. आप सारे संसार को इसमें भर्ती कर लीजिए, सारा ब्रह्मांड ले आइए, तो आपका विजन क्या बनता है कि एक कलेक्टिवनेस का बनता है, होलसम बनता है. और यहाँ आपको ये बनता है कॉन्फ्लिक्ट उसके आधार में. दूसरी तरफ जब अंग्रेजी का विश्लेषण हम लोग करते हैं, संस्कृत इसके तौर पे बात कर रहा हूँ और मैं एकेडमिकली बात कर रहा हूँ, ना तो ये कोई आक्षेप कर रहा हूँ ना मैं कोई पॉलिटिकली को बात कर रहा हूँ, केवल समझने की बात है. अंग्रेजी के जितने भी पॉपुलर नॉवेल्स
ज्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ वैचारिक नॉवल्स हैं उनकी बात थोड़ी सी भिन्न हो जाती है, क्योंकि वहाँ भी बड़े खूबसूरत नॉवल्स मिलते हैं। ग्रीक वे है, वहाँ पर वो जो इन्फ्लुएंस हमें दिखाई देता है वो ग्रीक वे है, जहाँ पे अचीवमेंट्स को बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। और दूसरी तरफ अब्राहमिक वे है जो बहुत गहरा उसके ऊपर इन्फ्लुएंस छोड़ता है, वो क्या है, कमांडमेंट्स एंड डिसिप्लिन। और इसके बीच में आकर के जब चार्ल्स डार्विन का सर्वाइवल और सिगमंड फ्रायड की सेक्सुअलिटी और कार्ल मार्क्स के जो वेल्थ के इश्यूज हैं वो आके मिलते हैं, और फिर आकर के आप वर्ल्ड वॉर्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बीच में इंग्लिश लिटरेचर को देखते हैं। कम से कम ऐसे संस्कृतिस्ट आई एवेल्युएट दिस इज हाउ आई एवेल्युएट दिस संस्कृत लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन दूसरी ओर संस्कृत का जब मैं लिटरेचर देखता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ, तो केवल एक ही चीज के ऊपर आधारित है, वो दर्शन, पर्सपेक्टिव, हाउ टू लुक एट द थिंग्स। वो कहीं पर भी कुछ करने के लिए नहीं कह रहा, वो कुछ भी ये नहीं कह रहा कि आपने कुछ अचीव करके दिखाना है। और इसलिए उसके बेसिक फंडामेंटल सवाल तीन ही होते हैं, जिसे आप नाचिकेतस दृष्टि कह सकते हैं, सत्यकाम की दृष्टि कह सकते हैं, और श्वेत केतु की दृष्टि कह सकते हैं, कि करना क्या है, कैसे करना है, और सत्य कथन की मेरे में क्षमता कितनी है। और सत्य को ये कोई किसी को हिंसा की बात नहीं है, संवेदनशीलता की बात है। और फिर ज्ञान, वो ज्ञान जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। और अंतिम स्लाइड, और इसके बाद मैं डॉक्टर साहब को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो हमारे साथ चर्चा आरंभ करें। एक और डिफरेंस को जरूर ध्यान रखिएगा, वो क्या है कि अंग्रेजी में 1:1 के कॉन्सेप्ट से काम चलता है, इंग्लिश में ट्री इज कॉल्ड ट्री, हिंदी में भी आप पेड़ कह देते हैं लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं बता पाते, आपको वस्तु की ओर कहना पड़ता है। बट एज यू यूज द संस्कृत लैंग्वेज, द वृक्ष इट इज कॉल्ड समथिंग दैट इज कट एंड फेल डाउन, तरु मीन्स समथिंग दैट फ्लोट्स, पादप मीन्स समथिंग दैट ड्रिंक्स यूजिंग इट फीट। तो यानी कि यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द थिंग्स, यू आर नॉट डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट द थिंग्स। लेकिन अंग्रेजी में या बाकी भाषाओं में ये फर्क पड़ जाता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट द थिंग्स, और इसीलिए फिर वहां कठिनाई होती है कि थिंग्स आर इन इटसेल्फ क्या होती हैं, उसको कैसे परिभाषित करें, फिर वहां दिक्कत आती है। तो ये कुछ एक ऑब्जर्वेशंस थी जो मैंने आपके साथ एकेडमिकली साझा की, इसको किसी और अर्थ में लेने की जरूरत नहीं है, हालांकि कई चीजें लग सकता है कि आपको ऑफेंसिव, लेकिन उस रूप में लेने की जरूरत नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के कुछ एक ऑब्जर्वेशंस थी जो मैंने आपके साथ साझा की हैं, और बाकी तो सब आप लोग पढ़कर आए होंगे, जो आप लोगों के साथ इनविटेशन पोस्ट में जो है वो शेयर किया गया था, मैं उम्मीद करता हूँ। और इन सब शब्दों के साथ मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पर प्रोफेसर डॉक्टर अक्षय कुमार जी को, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड कल्चरल स्टडीज, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, कि वो हमें आगे का मार्ग निर्देशन करें, हमारे ज्ञान का विस्तार करें, हमारे बुद्धियों को सूक्ष्म करें, और हमें दिशा निर्देश दें कि इन विषयों को हम कैसे देखें और कैसे समझें। सर, फ्लोर इज ओपन फॉर यू। पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने मंच पर बोलने का अवसर दिया। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी जी, लाउड एंड क्लियर सर। दूसरे आशुतोष जी, आपने इतना बोल दिया, मेरे लिए तो मुझे लगता नहीं बोलने को स्कोप रहा है। नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका ये जो आख्यान था, ये अपने आप में पूरा की नोट था। तो मैं, और आपने इतने आयाम खड़े कर दिए, मैं, मुझे हिंदी में बोलने ज्यादा अभ्यास नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ। तो इतने आपने आयाम खड़े कर दिए, मुझे लगता नहीं कि इनको किसी भी सारगर्भित ढंग से मैं शायद उनको डील कर सकूं। मुझे तो जो थोड़ी बहुत समझ है वो ये बताना चाह रहा हूँ कि जी, इंग्लिश और संस्कृत के जो भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो भी संबंध रहे हो, मैं इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल कर सकता कि राग द्वेष वाले या फिर कोई एम्बिवेलेंस वाले, स्ट्रेटजिक हैं, ट्रांजेक्शनल हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें व्यवहारिकता भी जुड़ी होती है। देखिए, संस्कृत की विद्वता, संस्कृत का जो ज्ञान है, संस्कृत के अंदर जो सूक्ष्म दृष्टि है या दर्शन है, उसको तो चाहे अंग्रेजी के विद्वान हो चाहे किसी और भाषा के विद्वान हो, उसने कभी मना नहीं किया, उसने उसको कभी कम नहीं आंका है उस तरह से। तो उसका तो हमेशा से रहा है। और ये आप देखिए कि हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं हमारे यहाँ पे,
हिंदुस्तान में भी, उनका जो लोगो है उसमें संस्कृत का ही कोई ना कोई कपलेट या कोई एपिथेट होता है, वो इस बात की गवाही देता है कि संस्कृत के ज्ञान को हम सभ्य लोगों ने माना। बात यह कि संबंध संस्कृत की अपनी प्रतिष्ठा, संस्कृत का अपने मानदंड उनकी नहीं है, बात यह है कि उसका अंग्रेजी के साथ क्या वास्ता रहा है, क्या उसका लेन देन। आपने अंग्रेजी नॉवेल्स की बात की, उनको एक जुमले में काबू करने की कोशिश की, वो सर्वाइवल के नॉवेल मैं शायद उससे गुरेज करूंगा, इतना सिंपल नहीं है। और आपने तो इंग्लिश ही नहीं, आपने तो रशियन, जर्मन, फ्रेंच, पता नहीं क्या क्या कह दिए, इतना इसके लिए तो एक ग्रंथ लगेंगे और बहुत लंबा समय लगेगा। चीजों में बहुत वैरायटी है और बहुत भिन्नता है और कई तरह के उसमें सरोकार। देखिए, शुरू शुरू में जब अंग्रेजी से हमारा जो इनकाउंटर हुआ, जो कॉलोनियल पीरियड में हुआ खासकर, और उसमें शायद क्योंकि कोई भी आदमी जब बाहर से आता है तो उसे दूसरी कल्चर, दूसरी भाषा में वो लगता है कि उसमें एक अलगाव है, उससे वो तुमसे जुड़ता नहीं है, उसमें सोच सकता है उसमें कुछ चीज़ें वो तुच्छ भी महसूस करता हो और उसमें उस तरह का वो दृष्टिकोण रहता है। लेकिन बाद में आप देखेंगे कि, और ये जो संबंध था संस्कृत के प्रति, बाद में संस्कृत मैकॉले के बाद का संदर्भ की बात कर रहा हूँ, मैकॉले ने तो चलो जो कहा सो कहा, उसके बाद जो संदर्भ रहा संस्कृत को लेकर वो काफी हद तक नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट रहा। उसमें कन्फ्रंटेशन की बात को कम किया गया, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, ये इस चीज को दो तीन स्तरों पर देखा जा सकता है। एक स्तर तो ये है कि आपने संस्कृत के जो आयाम है, संस्कृत की जो गहराई है, संस्कृत सूक्ष्मता, उसको स्वीकार किया। दूसरा वो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट भी हो सकती है, वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक एक किस्म की एक कंसेशन भी हो सकती है। तो ये हुआ कि खासकर 1857 के बाद, प्री 1857 से पोस्ट 1857 थोड़ा शिफ्ट आया, अंग्रेजी का संस्कृत से क्या रिश्ता हो इस चीज को लेकर काफी चेंजेस आए। इंडोलॉजी के संदर्भ में, बोलना इंडोलॉजी के संदर्भ में, शुरू शुरू में जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज वगैरह से जो संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया गया, संस्कृत के अलावा पर्शियन, अरेबिक, इन ग्रंथों का अनुवाद किया गया, उसके पीछे मकसद कुछ और था। उसके पीछे मकसद ये था कि कॉलोनियल पावर आई थी हिंदुस्तान में, वो उन्होंने इनको, इन संदर्भों का ट्रांसलेशन बकायदा कमीशन करवाया, स्पॉन्सर करवाया, और मकसद ये था वो जानना चाहते थे कि ये लोग क्या है। ये नहीं कि वो हमारे प्रति कोई बहुत आदर भाव रखना चाहते थे, वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लेवल पे इन लोगों को, इन संदर्भों को उन्होंने ट्रांसलेट करवाया। उसमें हमारी एस्थेटिक्स, हमारी शायद जो दार्शनिक गंभीरता, उसको शायद उन्होंने उस तरह से नहीं आता हो, लेकिन उन्होंने एक कोशिश की कि हमें उन ग्रंथों को एक इन्फॉर्मेशन के लेवल पे कम से कम एक डेटाबेस तैयार कराया जाए, क्योंकि जिन लोगों पे उन्होंने रूल करना चाह रहे थे उन लोगों को उनके रिचुअल्स, उनके कस्टम्स, उनकी मान्यताएं, उनकी आस्थाएं, उन सबको समझने की वो कोशिश कर, ऐसा उन्होंने कुछ प्रयास किया। लेकिन 1857 के बाद, और 1857 के जो 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 जिसे आप क्रांति कहो या स्वतंत्रता संग्राम कहो या गदर कहो, जो भी कहो, उसमें एक बात तो लगी कि उनको लगा कि हमने यहाँ की जो रूलिंग एलीट, जो भारत में जो लोग राज करते हैं, उनको शायद कहीं ना कहीं नाराज किया, बहुत उनकी कोई संवेदना को कहीं हिट किया। तो वो उनका एक, उन्होंने एक यू टर्न तो नहीं, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कहा उन्होंने लिया, वो शिफ्ट ये था कि कोशिश की जाए कि इन लोगों को दोबारा समझाया और समझा जाए, और एक मान के साथ और एक सम्मान के साथ, और उनकी विद्वता को, इनके 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 जो ज्ञान की जो इनका इनका जो अर्जन है, जो उन्होंने सृजन किया है, उसको भी हम उन बोर्ड लें। और उसके बाद अगर 1857 के इंडोलॉजी में बहुत परिवर्तन आए, और उसके बाद उन लोगों ने जो हमारे ग्रंथों को, हमारे क्लासिकल टेक्स्ट को, और केवल संस्कृत में नहीं, बाकी पाली वगैरह में भी, और इवन अरेबिक पर्शियन में भी, उन सबको उन्होंने दोबारा से किया। और उसके अंदर अब कोशिश ये थी कि ये समझा जाए इन ग्रंथों को, और उन्होंने एक्नॉलेज किया बकायदा। हालांकि ये सही हो सकता है कि एक्नॉलेजमेंट अपने में बहुत बड़ी बात नहीं होती, वो भी एक तरह का फैक्ट्री अपना नोएडा वाला घर ना 90-95 लाख में बेचा, पर शिवो सिंह खर्चा बच्चा करके
तो उसमें ये कोशिश की गई कि ये समझा जाए कि ये यहाँ के दर्शन को, और उसके बाद इंडोलॉजी में एक सुहार नजर आता है और उन्होंने काफी अतः, हालांकि मैं फिर भी कहता हूँ कि उसको आज हम कह सकते हैं कि उन्होंने ओरिएंटलाइज किया हमें, कि उन्होंने हमें एक बहुत एक पैटर्नाइजिंग दृष्टि से देखा। तो जो ओरिएंटलिज्म का डिस्कोर्स बाद में सईद ने भी खड़ा कि उसकी मैं बात बीच में बात करूंगा, लेकिन एक बात तो बड़ी क्लियर थी कि इस कोई उनकी क्रोनल कंपल्शन रही हो, कोई उनका साम्राज्यवादी उनकी विवेचनाएं रही हो, लेकिन एक चीज तो हुई इस पूरे उपक्रम में कि संस्कृत जो ज्ञान परंपरा है, संस्कृत के जो कोश है उनका तो कम से कम दोबारा उनको अंग्रेजी में लिखा गया, उनको फ्रेंच में ट्रांसलेट करवाया, उनको कई भाषा यूरोपियन भाषा में ट्रांसलेट किया, और इंडोलॉजी को बहुत एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, ऑफिशियली स्पॉन्सर प्रोजेक्ट था, बड़ी मैसिव फंडिंग उसके अंदर की गई और वो काफी हमारी टैक्स हुई, और आज भी उन ग्रंथों की ट्रांसलेशन हम पढ़ते। मैं तो कैटलॉगिंग नहीं करना चाहता, वो सब चीजें आपको किसी भी गूगल बटन मिल जाए। अब जो एक चीज समझनी पड़ेगी हमें कि जो रिश्ता था ना, वो राग द्वेष का, इसलिए नहीं मैं कह रहा राग द्वेष का, एक शब्द बाद में जाके हमारे यहाँ एक थेरिस्ट हुए हैं भाभा, उन्होंने शब्द मिमिक का, कि वो चाहते थे कि वो एक ऐसा हिंदुस्तानी क्रिएट करना चाहते थे जो अंग्रेजी का ज्ञान रखे लेकिन अंग्रेज नहीं हो। एक मिमिक्री कॉन्सेप्ट उन्होंने क्रिएट किया जिसमें वो चाहते थे कि वो अंग्रेजी सीखे, इतनी सीखे कि वो हम उनसे बातचीत कर सके, लेकिन वो अंग्रेज नहीं बनाना चाहते थे उसको। तो मिमिक मैन का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने क्रिएट किया ना, और जिससे हाइब्रिडिटी की बात बाद में की गई, ये हाइब्रिडिटी का जो रिलेशनशिप है ना, इसको समझना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि हम बहुत बाइनरी बनाते हैं, राग द्वेष की जो ये बाइनरी है। एक मिमिक्री का रिलेशन क्रिएट किया कि आपको अंग्रेजी सिखा भी रहे हैं, लेकिन साथ में कह रहे हैं कि आप अंग्रेज भी नहीं, हम आपको अंग्रेज बनाना भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप अंग्रेज बनो भी मत, उतने ही अंग्रेज बनो जितने जिससे हमारा भी काम चले और आपका भी काम चले। मिमिक्री के कॉन्सेप्ट को लेकर वो काफी लिखा गया, और इसमें ये कहा गया कि, और ये 1857 के बाद में खास करो कि क्या जरूरत है ग्रंथों को ये कहने की कि वो तो सिर्फ एक शेल्फ पे खड़े हो आ जाएंगे, संस्कृत ज्ञान में कुछ है ही नहीं, इन, 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 इस तरह के दुराचार से बचा जाए। उन्होंने कहा कि इनको हम जो नेटिव्स हैं यहाँ के, उनको हम उतनी अंग्रेजी सिखाएं जिससे हमारा काम चलता है। तो ये बहुत एक ट्रांजिशनल, एक ट्रांजेक्शनल किस्म का एक रिश्ता रखा हूं, और आप जानते हैं कि उस जमाने में अंग्रेजी जो सिखाई गई लोगों को, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, अंग्रेजों के साथ रहते थे, अंग्रेजों का सानिध्य था, तो उनको अंग्रेजी आज की जनरेशन से बेहतर आती होगी, अंग्रेजी के आस पास। लेकिन एक प्रयास जरूर हुआ इस पूरे पीरियड में कि भारतीयों को अंग्रेजी को सिखाना उनका एक गोविंद, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि ये अंग्रेजी से, और ये अंग्रेज वो इस बात को, दोनों तरफ ये जो मिमिक्री थी ये दो धारी तलवार इसलिए थी कि उनको ये लगता था कि अंग्रेजी सिखा दें, कब को ये ना हो कल को हमें अंग्रेजी सिखाने लगे, ये हुआ भी बाद में जाकर, और ये बात की आशंका उनको बनी रही, निरंतर बनी रही आशंका कि इनको अंग्रेजी सिखाएंगे हम, लेकिन अब आप जिसको व्यक्ति को अंग्रेजी सिखाते हो, आप सिखाते हो इस मंशा से हो कि ताकि उससे आपका संवाद सुलभ हो जाए, क्योंकि आपको अंग्रेजी आती है, उसको भी अंग्रेजी सिखा दी तो आपको कॉलोनियल रूल एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी आप बने बनाए क्लर्क बन जाए मिल जाए आपको, और आप एडमिनिस्ट्रेशन में आप उनका सहयोग लेके अपना कॉलोनियल डिजाइन को और स्ट्रेंथन करो। लेकिन उनको इस बात की आशंका रही हमेशा से, और ये बात बाद में कालांतर में बात सिद्ध भी हुई, और ये वो जब मिमिक्री का डिजाइन, मिमिक्री की एक पॉलिटिक्स, मिमिक्री की एक पूरा उपक्रम, ये बहुत सुनियोजित था, ये ऐसा नहीं था कि ये ऐसे ही अनायास हो गया, ये सुनियोजित ढंग से करवाया गया, और उसमें ये लेकिन उनको एक मैंने कहा खटका रहा है, जो आशंका बनी रही वो ये रही कि ये अंग्रेजी सीख गए ज्यादा तो कल को ये ना हो, और जैसे मैंने कहा और आज भी लोग कहते हैं कि यदि अब क्वींस इंग्लिश या किंग्स इंग्लिश कहीं बची हुई है
तो वो भारतीयों के पास, वो अंग्रेजों के पास भी नहीं थी। आज भी लोग कहते हैं कि नेहरू की अंग्रेजी पढ़ो या आप राधाकृष्ण की अंग्रेजी पढ़ो, तो वो अंग्रेजी तो क्लासिकल इंग्लिश है, वो तो अंग्रेज लिखना भूल गए आज के दिन, ऐसी इंग्लिश लिखते थे लोग। तो कह रहे थर्ड इन्होंने अंग्रेजी सिखाई, उनको ये डर लगा कि अंग्रेजी सीखते सीखते वो इतने अंग्रेजी ना सीख जाए कि उसमें हमारा आधिपत्य है, हमारी हजमनी, और वो जैसे बाद में हुआ। तो मैं कह रहा कि जो ये जो हम कहते हैं राग द्वेष, इसलिए मतलब ये मिमिक्री का जो ट्रेजेक्ट्री है ये बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रेजेक्ट्री है। कॉम्प्लेक्स ट्रेजेक्ट्री इसलिए है कि हम ये कह रहे हैं कि भारतीय अंग्रेजी उपन्यास, भारतीय अंग्रेजी उपन्यास अपने को चीज नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली मिमिक्री का उपन्यास है, बिकॉज हैबिलिटी का उपन्यास है। और भारतीय उपन्यास को केवल आप इंग्लिश में लिखा गया इसलिए उसे इंग्लिश नॉवल नहीं कह सकते, वह तो भारतीय उपन्यास है। भारतीय उपन्यास के अंदर यहाँ की जातीय अस्मिता, यहाँ की मिथकीय परंपराएं, यहाँ के मिथकीय संस्कार सब आते हैं भाई। ये अपना में इंडियन नॉवल इज ए हाइब्रिड नॉवल, इज ए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नॉवल एज ए यूरोपियन, यदि नॉवल को यूरोपियन फॉर्म मान लिया जाए तो ये हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म है एक तरह। तो मैं बार बार इंसिस्ट ये कर रहा हूँ कि रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप ऑफ हाइब्रिडिटी रहा है, इनकाउंटर नहीं रहा है, ये रिलेशनशिप ऑफ इनकाउंटर नहीं रहा है, और वन अपमैनशिप नहीं रहा है। और इसका हमें इससे हमें कुछ सीख इसलिए मिलती है कि एक एक व्यक्ति जिसे केवल संस्कृति आती है और एक व्यक्ति से इंग्लिश ही आती है, दोनों अपने अपने फोर्ट्स में बड़े सुदृढ़ ढंग से बैठे हैं, अपने अपने किले संभाले बैठे, इससे बात नहीं बनती। लेकिन एक व्यक्ति वो जिसे दोनों भाषाएं आती हैं और दोनों संस्कृतियों से वो उसके बीच में वो रहता है, और इस तरह के संसार में रहो जहां पे दो या तीन संस्कृतियां या साहित्य परंपराएं निरंतर मिलती हो, तो उससे जो सृजना पैदा होती है उसमें ये भारतीय उपन्यास को देखने की जरूरत है। भारतीय उपन्यास ऐसे ही नहीं है कि केवल अरुंधति रॉय को वेस्ट ने उठा दिया, वेस्ट ने उठा दिया तो वो बुकर जीत गई, या रश्मि को उसने उठा दिया तो वो बुकर जीत गया, या किसी किरण देसाई को ऊपर उठा दिया तो उसको जीत गए। इस उपन्यास में आप चाहो ना चाहो इसके अंदर एक चीज जरूर है कि इसमें एक संस्कृति नहीं है, कम से कम एक भाषा नहीं है, लिखा अंग्रेजी में हो, अंग्रेजी में लिखना हो तो अंग्रेजी नहीं है केवल इनके अंदर, क्योंकि ये एक बेसिकली एक उस मिमिक जो एक परंपरा जिसको मिमिक जो एक जो कॉलोनियल प्रोजेक्ट था वो जैसे 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 क्या मिमिक को क्या बोलो, मिमिक को आप बोलोगे संकरता तो मैं कहने से गुरेज करूंगा, लेकिन कह लीजिए आप, तो वो संकरता तो नहीं, एक बहुत हैप्पी मिश्रण मैं कहूंगा, एक अच्छा मिश्रण कहूंगा मैं, संकरता में तो थोड़ा सा दूसरा तरह का ध्वनि निकलती, एक अच्छा मिश्रण पैदा हो, और अच्छे मिश्रण में। और ये बात इन्होंने एलियट की बात की, एलियट से पहले मैथ्यू आर्नल्ड ने तो अपने इंटरनेशनल कॉन्टेक्स में गीता को कोट किया, और एलियट ने तो उपनिषदों का जिक्र भी किया, पर वो एक ही बात कहते रहे शुरू से, और ये यूरोप के स्कॉलर्स कह रहे हैं। मैथ्यू आर्नल्ड कहता है कि कोई भी अच्छा आलोचक नहीं हो सकता जब तक उसे कम से कम अपने कल्चर के अलावा दूसरे कल्चर का ज्ञान ना हो, कम से कम दो तीन भाषाओं की कल्चर का उसे ज्ञान होना चाहिए, तब वो अच्छा आलोचक है। ये मैथ्यू आर्नल्ड कौन था, जो बहुत प्योरिस्ट कल्चरलिस्ट था, जो कल्चर को कहता था बहुत ही हाईली रिफाइंड चीज है, जिसे संस्कृति की अवधारणा अपने में बहुत एलिटिस्ट थी एक किस्म की। वो ये कहता था कि कोई भी आलोचक यूरोपियन ट्रेडिशन में और एलिट भी, कि जब तक इनको दूसरी भाषाओं की, और खासकर उनका इशारा इधर इंडियन लैंग्वेजेस को लेकर बहुत था, जब तक उनको ये नहीं मालूम तब तक ये, और ये शर्त वो अंग्रेजी आलोचक के लिए भी रख रहे थे। और मैं आपको बताऊं, हमें ये बात अब शायद नहीं पता, लेकिन तो ये एक परंपरा उन्होंने खड़ी की मिमिक्री की। अब मिमिक्री कब, मिमिक्री होते होते कब वो आपके रिफ्लेक्स का हिस्सा हो जाती है, कब आप ये चिंगेजी बोलने लगते हैं कि अंग्रेजों को भी चिंता सताने लगती है, कब आप उसको अपने अपने अनकॉन्शियस का हिस्सा, क्रिएटिव अनकॉन्शियस का हिस्सा बना देते हैं। राजा राव का जिक्र है, राजा राव का सबमिट जो लोग ऐसे नहीं लिखा गया, राजा राव का सबमिट जो लोग अपने नॉवल को ही, नॉवल की फॉर्म को ही बिल्कुल चैलेंज कर दिया उठा। सबमिट जो रोप में तो कहते हैं उसने
इंग्लिश का संस्कृत, दिस इज कॉल्ड संस्कृताइजेशन ऑफ इंग्लिश। अब जब जब इस तरह की हम बात करो, उसने वो बड़ा अच्छा उसका एक प्रोफेसर वर्ड एज मंत्रा, तो जब ये लोग लिखते थे वर्ड एज मंत्रा या सन पुराण की बात करते थे या ये संस्कृताइजेशन इंग्लिश की बात, और तो कहते संस्कृत इंग्लिश थी उसकी, तो राग द्वेष कहां रह गया? राग द्वेष की तो बात ही खत्म हो गई। ये राग द्वेष मुझे पोलेमिकल लगता है कई बार, माफ करना, ये पोलेमिकल, ये कैटेगरी पोलेमिकल, इससे किसी का भला नहीं होने वाला, क्योंकि ये हार्नेसिंग है, हार्नेसिंग ऑफ कल्चर्स टू द म्यूचुअल एडवांटेज। और ये किया राजा राम ने किया, और आपने मुर्गा राम के आनंद को, हालांकि लोग बोलते हैं कि मुर्गा राम ने पूरे लिखा और अंत भी लिखा और वो प्रोग्रेसिव राइटर मूवमेंट के अंदर एक तरह के वैनगार्ड में थे, लेकिन लोग बहुत कम लोग शायद जानते होंगे मुर्गा आनंद ने इंडियन एस्थेट से बहुत मिल का पत्थर का काम किया है, रसा थ्योरी पर उनका बहुत बड़ा काम है, उनकी बेसिक काम आर्ट क्रिटिक के तौर पे मार्ग जो उन्होंने जर्नल निकाला, जो आज भी एक इंडियन आर्ट के अंदर बहुत बड़ा, मुर्गा आनंद ने बहुत काम किया इंडियन एस्थेटिक्स को लेकर। तो मैं एक बात जो भ्रांति जो यहां पता नहीं भ्रांति है या क्या है, लेकिन दूर करना चाहता हूं कि इंग्लिश का संस्कृत के साथ गोल्डन हैंडशेक रहा है। अभी गोल्डन हैंडशेक बड़ा, क्योंकि ये इसमें उन्होंने अंग्रेजों की तो आदत थी, अंग्रेजों ने तो बहुत तो उनको चालाकी कहो, उनकी दुर्दृष्टता कहो, लड़ना उन्होंने कहा लड़ो लेकिन ढंग से लड़ो, लड़ना का मतलब तलवारबाजी नहीं, सीधे सीधे आप उनको सिखाओ अंग्रेजी, डर हालांकि सिखाई, अब क्रिकेट सिखाई उन्होंने, क्रिकेट का क्या हुआ, 83 वर्ल्ड कप हम जीत लाए। आज एशियन कंट्रीज क्रिकेट उनकी उनका गेम है, चैंपियन एशिया में, लंका में, पाकिस्तान, हम चैंपियन बन रहे, वेस्ट इंडीज कई साल तो वेस्ट इंडीज काबू नहीं आया उनके। एक बात मैं बहुत रेखांकित करना चाहता हूँ, और जो मैंने हेरिडिटी की बात की, एक वेस्ट इंडीज कॉन्टेक्स्ट में हम क्रियोल की बात करते हैं, अंग्रेजी में मुझे आज तक ये बात बड़ी अचंभित करती है, अंग्रेजी जिसे हम एक पॉपुलर इमेजिन हेजेमनी की भाषा बोलते हैं, एक भाषा जिसने हमें आतंकित किया, क्रांत जिसे जिसने हमें कोलोनाइज किया, उससे तो एक तरह का एक जिसे बोलते हैं एक पैथोलॉजिकल हेटेड होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, पैथोलॉजिकल नहीं हुआ। आप देखो इवन इवन कैरिबियन कंट्रीज के अंदर अंग्रेजी ने एक जो बात की, और वो और आज अंग्रेजी ग्लोबल भाषा बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं वो, ठीक है कि आप उसमें ग्लोबल, फ्रेंच नहीं बनी, जर्मन नहीं बनी ग्लोबल भाषा, रशियन नहीं बनी, अंग्रेजी बनी, हर भाषा में हर भाषा के भेद हैं, जो कहते हैं कि हमारी भाषा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा है, ये लिंग्विस्टिक फंडामेंटलिज्म। मैं यहां पंजाब में रहता हूं, पंजाब को कहते हैं पंजाबी संस्कृत से पहले, ही बताओ लड़ सकते हो क्या, लिंग्विस्टिक फंडामेंटलिज्म तो जवाब ही नहीं। लेकिन जो उन्होंने अंग्रेजी अंग्रेजी में मैंने देखा फंडामेंटलिज्म नहीं, तमिलनाडु का बंदा अंग्रेजी किसी और ढंग से बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं, उधर से आप यदि कैरिबियन राइटर को, अफ्रीकन राइटर को ले, उनके अंग्रेजी, अंग्रेजी को यदि हम प्योरिस्ट एंगल से देखेंगे तो मैंने कहा कहा वो अंग्रेज वो ब्रिटेन में नहीं रही है। ये जो चिंता है ना लैंग्वेज को एक प्योरिस्ट पैराडाइम में रख के खड़ा कर दो, ये लैंग्वेज को भला नहीं करती। आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ, उनकी ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, अमेरिका ने इंग्लिश का जो इनफॉर्मलाइजेशन की है, इंग्लिश की सारी जो वो जो क्वीन की जो मेजेस्टी से निकाल दी उन्होंने अंग्रेजी में से, उन्होंने इतनी इनफॉर्मलिज्म है, इतनी ज्यादा नॉन उन्होंने उसका थोड़ा बहुत जो क्लासिकल रहा वो भी निकाल दिया उसके अंदर से, अमेरिकन इंग्लिश खड़ी कर दी, इंडियन इंग्लिश के अंदर, इंडियन इंग्लिश अपने में एक कैटेगरी खड़ी कर दी, लेकिन इंडियन इंग्लिश पंजाबी अलग है, तमिल की तमिलिश अलग है, बंगालिश बंगालिश अलग है वो, और सब लोग, और वहां पर वो मैंने देखा कि आप जब हम किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं अंग्रेजी बोलते हैं, वो हमारे एक्सेंट्स को लेकर उनके मन में कोई ऐसा नहीं होता कि आपने क्या अटपटी बात कर दी। अफ्रीकन जब बोलता है या वेस्टर्न बोलता है उनके मन में ऐसी बात नहीं होती आपने क्या बोल दिया, प्रोनाउंसिएशन को लेकर वो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है, जब तक कि आप कम्युनिकेशन के होराइजन के बीच में काम करें। अब या तो उनका कंट्रोल छूट गया, ये हो सकता है इसके ऊपर एक डिस्कोर्सिव तो उनको अंग्रेजी भाषा को, लेकिन अंग्रेजी के जितने वेरिएंट्स हैं
बल्कि अब तो बात ये कहने लगे इंग्लिश नहीं इंग्लिशेस की बात करो। क्या हम संस्कृत संस्कृत में संस्कृत को प्लुरलाइज कर सकते हैं? क्या पंजाबी को प्लुरलाइज करने के लिए तैयार है? या तो हिंदी को लेकर हम तैयार नहीं है जबकि कहते हैं हिंदी राष्ट्रभाषा हो जाए, उत्तरी प्लुरलाइजेशन को तैयार नहीं है जबकि हिंदी में दक्कनी दक्कन की भाषा अलग है, इधर भोजपुर इलाके में हिंदी अलग है, हरियाणा में हिंदी अलग है। हालांकि हिंदी के अंदर जो अन्य हिंदी है उनकी बात हो रही है, लेकिन मैं अंग्रेजी की कॉलोनियल विस्तार को या स्क्रिप्टेड है या ये नेचुरल हो गया या बिजनेस का फ्लो था, मेरे पास कोई इसका सीधा सा आंसर नहीं है। या ग्लोबल कंसीडरेशंस थी, लेकिन अंग्रेजी के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, आपने 300 शब्द गिनाए भाई, जिस भाषा ने पूरी दुनिया में उसको बोले वहां आप सोचे 300 शब्द नहीं होंगे औरत के लिए, हर भाषा में अपने शब्द होगा, उनका वेरिएंट होगा। भाषा में शब्दावली का ना उसके ज्योग्राफिक विस्तार से जुड़ा हुआ है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते क्योंकि वो ज्योग्राफिक विस्तार इतना हो गया। आज ऐसे हम शब्द और ऐसे शब्द आप देखिए, आपकी जो व्हाट्सएप की भाषा है, जो न्यू मीडिया में लैंग्वेज आई है, उसको खूब तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। उसके अंदर कोई जो भाषा के आप कोई हम पुराने जनरेशन के लोग हैं, भाषा संस्कार को लेके पैदे हुए, हम तो दिन रात रोते रहे बैठे बैठे कि वो क्या गया। लेकिन आप यदि उधर से स्कॉलर्स की आर्टिकल पढ़ोगे, वो तो उसको भी अपने स्टैंड में लेने को तैयार है। उनकी बस एक ही शर्त है कि भाषा में जो उसकी संप्रेषणीयता है, जो उसका कम्युनिकेशन है, उसके जो संवाद है, वो शक्ति बनी रहे, बाकी सब ठीक है। तो जब हम ऐसे, मैंने बोर्ड नेचर की बात इसलिए करी है क्योंकि संस्कृत ने उन्होंने, मैंने कहा कि अंग्रेजी का जो हेजमनाइज किया, हेजमनाइज उसने सिर्फ अंग्रेजी सीख की नहीं कि अंग्रेजी आती थी उसका, तो बाकी भाषाओं को भी उन्होंने लिया और बाकी भाषाओं को लिया और मैं तो यहां तक कहूंगा आत्मसात की। अब कह सकते हो कि आत्मसात कैसे कर सकता है विदेश? आज हम ओरिएंटलिज्म के नाम पे ये कह देते हैं कि भारत अंग्रेज आया और उसने हमारे संस्कृत ग्रंथों का बहुत गलत ढंग से इंटरप्रिटेशन किया है, ट्रांसलेट किया। पॉलिटिक्स रही होगी, अभी भी है, वो हमारे विद्वान भी कम नहीं इस मामले में, अंग्रेजों को क्यों अकेला पकड़ा जाए उसके लिए। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं ओरिएंटलिज्म के नाम पे ये कहता ना कि वो आया और उसने, मैं ऐसे अंग्रेजी विद्वान जानता हूं और हम पढ़ाते हैं दिन रात, हम पढ़ते हैं उनके बारे में, जिन्होंने 20-25 साल बनारस के घाट में, तो घाट में गुजारे ताकि कबीर को ट्रांसलेट कर सके। ऐसे ऐसे विद्वान जानता हूं, यदि मैं आपको कहूं आज के दिन भी जो बेस्ट बुक्स आर इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश, इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, इंडियन क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश, वो भारत बार के विद्वान की है। और इसलिए है क्योंकि वो यहां पे आया, उसने 20-25 साल लगाए, 10-10 साल लगाए, यहां पर घूमा गलियों में और उसने उस भाषा को सीखा। और एक देखिए, किसी भी चीज को अब आई नो, जैसे फिलिप लुडेनडॉर्फ, वहां शिकागो में पढ़ाते हैं, तो मैंने बहुत सब समय पहले उनसे कोई किसी तरह का पत्राचार किया कि मुझे कोई जरूरत थी शिकागो यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। मैं जानता था उनको, उनका इंडियन लिटरेचर में, इंडियन कल्चर में, तो एक बार उनका मुझे ईमेल आया कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तो मैंने कहा आपसे मिलना चाहूंगा, दिल्ली आ रहे हैं तो आप, मैंने फोन किया तो उधर से रामचरितमानस की चौपाई पढ़ रहे हैं वो। मैंने कहा मैं फिल्म लुडेनडॉर्फ से बात करोगे तो बिल्कुल उनसे कर रहे हैं आप। उसने कहा मैं 10 साल रह के यहाँ पे रामचरितमानस का ट्रांसलेशन करने की कोशिश करूँगा, 10 साल हिंदुस्तान में गुजारा। जो भाषाओं का ना, देखो भाषाओं में जो राइटर्स हैं और साहित्य के संदर्भ में, पॉलिटिक्स में क्या करते हैं लोग, वो आप उनका वो साहित्य के संदर्भ में, और आपने भाषा साहित्य की बात की, साहित्य के संदर्भ में मैं कह सकता हूँ कि इतना क्रिएटिव इस्तेमाल हुआ है। और ये तुम जानते हैं टैगोर और अरबिंदो की जो परंपरा है, टैगोर और अरबिंदो, माइकल मधुसूदन दत्त, ये सब लोगों ने, ठीक है कि एक आधा को वो ठीक है कॉलोनियल प्रभाव रहा होगा उन्होंने लगा, लेकिन इन लोगों ने निरंतर इंडियन कॉन्सेप्ट्स को अपनी क्रिटिकल भाषा का हिस्सा बनाया है। अरबिंदो को यूरोपियन भाषाओं का भी ज्ञान था और संस्कृत, इसलिए अरबिंदो है, इसलिए वो अरबिंदो है।
टैगोर के आप पढ़ लो, टैगोर ने संस्कृत के ऊपर और उसका पूरा कॉन्सेप्ट विश्व भारती का, और उसमें संस्कृत का पूरा योग है उसके अंदर, उसका पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर। और बंगला में तो काफी काफी शब्द तत्सम है भाई। तो इन लोगों ने, और उसके बाद हिंदुस्तान में भी पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करूं तो मैं, हमारे यहाँ पे इतने परंपरा रही, अब तो परंपरा वो खत्म हो गई, इसके लिए अंग्रेज रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब मैं 60s 70s तक की बात करता हूं, अर्ली 80s तक की बात करता हूं, जितने भी अंग्रेजी के जाने माने प्रोफेसर्स थे उनमें से आधे संस्कृत के भी विद्वान थे। के अपा पाणिकर, एम के नायक, सी डी नरसिम्हैया, के कृष्णमूर्ति, कृष्णारायण, ये अंग्रेजी के प्रोफेसर्स थे और संस्कृत स्टडीज में काम किया। और हमेशा एक बात कहते रहे कि हमें हिंदुस्तानियों को अपने के स्टडीज लानी पड़ेगी, पर स्टडीज कौन सी स्टडीज, कंपेरेटिव स्टडीज की बात करते थे, कंपेरेटिव तुलनात्मक ढंग से जो निकली, जो वो हाइब्रिडाइजेशन से जो निकली उस तरह की बात करते। एक पूरी परंपरा रही है हमारे यहाँ पे अंग्रेजी विभाग के अंदर, अंग्रेजी विभागों के अंदर, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंजीनियर की बात कर रहा हूं, जिन लोगों को अब, और यहीं पे क्या पंजाबी में हमारे यहाँ पर ऐसे विद्वान थे जिनको तीन चार भाषा सहज ढंग से आती थी, अरबी, पर्शियन, इंग्लिश, संस्कृत। अब वो परंपरा खत्म हो गई, उसका वजह खत्म होने की बात हो गई। वो खत्म होने की वजह यह है कि हम ग्लोबली ना बहुत डिसिप्लिनरी हो गए। अब डिसिप्लिन का मतलब अब सिर्फ भाषाओं को लेकर नहीं है, ये पूरी नॉलेज सिस्टम को लेकर। पहले हमारा सोचने का ढंग था 360 डिग्री था, हर तरह के ज्ञान से हम वास्ता रखें और उसे सीखें और इंटरडिसिप्लिन काउंटर से कोई नई बात निकलेगी। अब पिछले 20-30 सालों में इतना ज्यादा हमने अपने डिसिप्लिनाइज कर लिया है। अब अंग्रेजी हिंदी, अंग्रेजी संस्कृत छोड़ी है, पंजाबी वाला हिंदी से बात नहीं करता, हिंदी वाला मराठी से बात नहीं करता, और एक ही ब्लॉक में और एक ही किस्म का उनका इकोलॉजी या कल्चरल इकोलॉजी है, बात नहीं करते। क्योंकि हम निरंतर, और इसके पीछे जो इंस्टीट्यूशंस की जो एक, उसे आप क्या कहो, मेजोरिटी को, डिक्लाइन को, लेकिन एक कोशिश रही कि डिसिप्लिन बी डिसिप्लिन स्पेसिफिक डिसिप्लिन। कल को मैं संस्कृत में पर्चा को लिख दूं तो उसको मैं अपनी 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 जिज्ञासा के लिए लिख दूं तो लिख दूं, लेकिन उसका कोई मूल्यांकन मेरे लिए तो नहीं है यहाँ पे। क्योंकि हम इतने डिसिप्लिन बना, ये डिसिप्लिन का जो पूरा एक, और ये ग्लोबली हुआ है, ये ग्लोबली इतना ज्यादा डिसिप्लिन हम डिसिप्लिन सेंट्रिक होते चले गए कि उसमें ये भाषाएं बिल्कुल गेटोज में बन गई। गेटोज क्या मतलब, कि अंग्रेजी वाला क्या अंग्रेजी वाला से बात करेगा या संस्कृत संस्कृत वाला से बात करेगा, पंजाबी वाला पंजाबी से बात करेगा, संस्कृत हिंदी वाला हिंदी से बात करेगा। और इससे क्या हुआ, एक डिक्लाइन हमारे स्कॉलरशिप में, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के समझ में नजर आया। वो डिक्लाइन क्यों नजर आया, वो डिक्लाइन इसलिए नजर आया कि वो विद्वान जो था, हम मैथ्यू आर्नल्ड की मैंडेट को भूल गए, जो कह रहा था कम से कम दो तीन भाषाओं का ज्ञान तो रखो भाई, दो तीन भाषाओं की, भाषाओं का नहीं, भाषाओं परंपराओं का, साहित्यिक परंपराओं का, संस्कृतियों का ज्ञान तो रखो। आप पंजाबी वाले कहो कि जी आप अंग्रेजी बोल दो, कहते मुझे अंग्रेजी नहीं आती, उसे को हिंदी बोल दो, मुझे हिंदी नहीं आती। और पंजाबी वो बहुत बड़ा ऊंचे ऊंचे दर्जे का विद्वान है। तो डिसिप्लिन का जो एंजाइटी खड़ी हुई और लास्ट 20-30 सालों में बहुत ज्यादा, उससे ना ये जो मैंने कहा कि हमारे यहां पर इंग्लिश डिपार्टमेंट में, और मैं आपको बताता हूं यहां, यदि पंजाब यूनिवर्सिटी का मैं एग्जांपल हूं, तो हमने तो 20-30 साल पहले संस्कृत स्टडीज पढ़ाई थी, हम सिलेबस में रखी हुई, कुमार स्वामी हमारे सिलेबस का हिस्सा रहा है और बिंदु सिलेबस का हिस्सा रहा है। लेकिन बाद में समस्याएं आने लगी कि आप संस्कृत स्टडीज वाले पढ़ाएगा कौन इसको, क्योंकि जो नए डिसिप्लिन से लोग आए और नए डिसिप्लिन में लोग आने लगे। हम अभी भी रिसर्च के लेवल में तो फ्लेक्सिबल काफी है, लेकिन पाठ्यक्रम के लेवल एक तरह की बिल्कुल इंसुलरिटी है, वहां पे नहीं चाहते कि इस तरह का कोई अतिक्रमण, इसे अतिक्रमण बोलता हूं, अतिक्रमण हो। और यही ये अतिक्रमण की भाषा है हमारे अंदर, ये संस्कार पैदा होगा।
संस्कृत डिपार्टमेंट में मैं कभी कभी जाता हूँ, मुझे यहाँ कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती रही है। कालिदास में पीएचडी कर रहे हैं, आपको पता नहीं कालिदास में कितना काम हो चुका कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर या शिकागो के अंदर, जिक्र ही नहीं है। हमारे लोग काम कर रहे हैं उनको पता ही नहीं कि यदि आप किसी कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं पोस्ट सोशलिज्म में, संस्कृत में इसके ऊपर क्या काम हुआ है, पाणिनि ने काम क्या काम, भृतृहरि का क्या काम है, उनको ही नहीं मालूम है। केवल एक दूसरे पर आरोप बनने से बात नहीं बनती, प्रश्न है कि एक पूरी कल्चर का ह्रास हो गया। और ह्रास किस लिए होता है? क्योंकि हम वन अपने शिप में रहते हैं, हम ये बताया जाता है कि हम आपसे श्रेष्ठ हैं, हमारी ज्ञान परंपरा सबसे ज्यादा समृद्ध है, आप डेरिवेटिव हो, आप पैरासिटिकल हो, आप संवाद की संभावना खत्म कर देते हैं। पंजाबी वालों को जाके मैं बोलूं तो वो कहेंगे अंग्रेजी अंग्रेजी वाला मैं सिखाने आ गया, चाहे पंजाबी बात कर रहा हूं उनसे मैं, चाहे मैं भाईवीर सिंह की बात कर रहा हूं उनसे और पंजाबी बात कर रहा हूं। इतने ज्यादा डिसिप्लिनरी गैटोज में मैं फंस गए और मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा। वो ज्ञान परंपरा, मैंने बताया कि हमारे यहां पर कोई विद्वान नहीं था अंग्रेजी में, और आज भी मैं आज भी मानता हूं कि कोई भी अंग्रेजी टीचर अच्छा अंग्रेजी टीचर नहीं होता जब तक उसके अपने भाषाओं का ज्ञान नहीं है, अपने भाषाओं की साहित्य का समझ नहीं है। मैंने 80s के अंदर मिड 80s में पीएचडी की, जिसमें हिंदी पोएट्री एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था, पूरा डिपार्टमेंट खराब हो गया खड़े में कि आप हिंदी पे पीएचडी कैसे कर सकते अंग्रेजी डिपार्टमेंट। तो मैंने कहा लिखूंगा अंग्रेजी में मैं, और मुझे नहीं लगता ये संकीर्णता अभी भी कम हुई, मुझे पूरा डाउट है इसके ऊपर। सही बात, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, ये राग द्वेष वाला जो बात है ना, इसको हम इसको इस तरह से इसे और तरह से विजुलाइज करें, एक हाइब्रिडिटी के एक आयाम के ऊपर, एक उसमें जैसे मैंने कहा हैप्पी संकरता की जैसे मिश्रण, एक उसको यदि उसको लेके चलेंगे ना, तो मुझे लगता है कि उसमें अंग्रेजी का भला भी है संस्कृत का भला भी। और यदि हमने उनके अंदर इंसुलरिटी खड़ी कर दी, उनके ऊपर ऐसा एक, एक, एक आवरण डाल दिया कि भाई हम तो बिल्कुल, अब मैं आपको बताता हूं, इतने एग्जाम्पल मिल सकता हूं आपको, दिन रात के एग्जाम्पल है, मैं कोई स्क्रिप्ट सेट नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आपको पता मैं खुले आप कैसे खड़े सीधे बात कर रहा हूं। ट्रांसलेशन करते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन करते वक्त अब बहुत किस्म के ट्रांसलेशन करे, ट्रांसलेशन छिड़कने आपने ओरिजिन से छेड़खानी कर दी, ट्रांसलेशन का मतलब छेड़खानी होता है, ट्रांसलेशन का मतलब ही छेड़खानी होता है, तो कैसे करोगे ट्रांसलेशन भैया? आप कोई कंटेस्ट थोड़ा करना है इस चैप्टर को। ट्रांसलेशन एक गीता की ट्रांसलेशन, 3000 ट्रांसलेशन होगी गीता की, क्यों ट्रांसलेशन होगी गीता की? हर नई ट्रांसलेशन गीता पुनर्जीवित होती है, लेकिन आप मुझे ट्रांसलेशन करोगे और उसके संदर्भ यही रहेंगे, उसकी भाषा यही रहेगी, और इन्हीं मान मर्यादा में करना पड़ेगा तो करे जाओ, उसे फॉसिलाइज कर दोगे आप। कबीर का ट्रांसलेशन करना है आपको, आप तैयार ही नहीं है कि एक नई न्यू जनरेशन की, न्यू मिलियन की, एक नई नई किस्म की जनरेशन आई है, वो न्यू मीडिया की, उसके अंदर कुछ नए शब्द आ सकते हैं, नई शब्दावली आ सकती है, आप तैयार ही नहीं, क्यों तैयार नहीं तैयार? और उससे क्या होगा, किसी भी संस्कृति को बचाने का तरीका है उसे एक्सपोजर के डर से मत बचाओ। संस्कृतियां तब बचती हैं जब वो अपने आप में पोरस होती हैं, संस्कृतियां नहीं बचती जब उनके उनको बिल्कुल आप टाइट कंपार्टमेंट से फिक्स कर देते। कबीर की इतनी ट्रांसलेशन नानक की नहीं है, वो भी सकती नहीं है, खुला छोड़ दिया कबीर को, थोड़ा ट्रांसलेशन। अंग्रेजी के जो नॉवल उपन्यासकार है, मैं दो चार उपवाद हो सकते हैं, मुझे आज तक ऐसा उपन्यासकार नहीं मिला जिसने संस्कृत का मजाक उड़ाया। आज तक ऐसा उपन्यासकार नहीं मिला, ऐसा पोएट नहीं मिला। लेकिन यदि किसी ने पिछले कविता लिख दी
और सुशील दत्ता में थोड़ा उसने हास प्रयास कर दिया तो कहोगे जी तो, या उर्दू अब सेटनिक वर्सेस लिखी तो क्या है ये? जब तक आप नहीं अलाउ करोगे तो फिर वही फंडामेंटलिज्म पैदा होगा। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि अब जैसा मैंने देखा कि ये नई एजुकेशन पॉलिसी में भी इस तरह की बात की कि अंग्रेजी का स्टूडेंट संस्कृत भी पढ़े, लेकिन होने देंगे नहीं वो, क्योंकि हम दिमाग से बहुत ज्यादा डिसिप्लिनरी हो गए हैं। अंग्रेजी का छात्र फिजिक्स भी जाके पढ़े, संस्कृत से फिजिक्स क्यों ना पढ़े, मुझे बताओ क्यों ना कंप्यूटर पढ़े वो? संस्कृत कब बढ़ेगी? केवल संस्कृत पढ़ने पढ़ाने और उसका प्रचार करने संस्कृत नहीं बढ़ेगी, ना अंग्रेजी बढ़ेगी, कोई भाषा नहीं बढ़ेगी। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, एक हम इस पूरे संस्कृत अंग्रेजी के डिबेट में भाषाओं को भूल गए। भाषाओं के साथ क्या बना? हिंदी, पंजाबी, मराठी, कन्नड़ा, सब इनको भी साथ रखे चला, केवल इनको एक दरकिनार करके। और मैंने कहा ना गोल्डन हैंडशेक हो गया, उस हैंडशेक के मारे तो ये लैंग्वेज गई। हमें कबीर भी साथ लेना पड़ेगा, मीरा भी साथ लेनी पड़ेगी, हमें रहीम को भी साथ रखना पड़ेगा, हमें तुलसी को भी साथ रखना पड़ेगा, और तब आप देखेंगे कि ये जब हम इन चीजों को बिल्कुल सेग्रीगेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जैसे जैसे ये है कि मैं उस तरह के फिलोसॉफिकल वर्टिकल एक्सिस और वाई एक्सिस तक तो मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, मेरी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन इतना जरूर मैं कहता हूं कि इन सब एक्सिस को, जितनी एक्सिस हैं, वर्टिकल है, मैं तो कहता हूं मल्टीपल एक्सिस हो, इन एक्सिस को एक फ्रेमवर्क में लेके आया जाए, जहां पे शर्त है, पहली शर्त है, हमें अपनी हठधर्मिता छोड़नी पड़ेगी, और ये छोड़ना पड़ेगा कि हम हमारे पास दुनिया का सारा ज्ञान है, बाकी सब कुछ। मैंने आशुतोष जी ज्यादा नहीं बोल दिया? नहीं नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बस मैंने तो अपनी बात पूरी कर दी। नहीं बहुत संवाद होगा तो बात करेंगे, क्वेश्चन जी 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 बहुत खूबसूरत बातें हैं और वाकई आनंद आया आपकी बात सुनकर। और आज मैं कई वर्षों पर हिंदी बोल रहा हूँ, बता दूँ। जी 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 मैं बीच में कहने भी लगा कि आप अंग्रेजी में बोले, फिर मैं कहा नहीं, डॉक्टर ने कहा कि आप हिंदी बोल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। और आपने ये जो दो तीन कॉन्सेप्ट दिए, मिमिक्री मैन का कॉन्सेप्ट और ये दूसरा संस्कृताइजेशन ऑफ इंग्लिश, ये मुझे बड़े अच्छे लगे और वाकई ये बात ठीक है। और यही बात ये जो राग द्वेष और एम्बिवलेंस की है, वो क्रिएटिव कॉन्टेक्स्ट में भी है और कई जगह नेगेटिव भी है। आप जब नीरज चौधरी या कांचा लैया और इस तरह के लोगों को जब पढ़ते हैं, तो वो लगता है कि यार थोड़ा सा ढंग से देख लेते तो ज्यादा अच्छा था। देखिए ये सर्कस है, सर्कस में हर तरह की आवाज़ है। बाकी ये बात आपके जो कंसर्न्स हैं, बिल्कुल मेरे भी वही कंसर्न्स हैं, बल्कि हम सभी साथियों के शायद वही कंसर्न्स हैं कि हम लोगों का आपस का डायलॉग खत्म हो गया। राग और द्वेष से ये होता है कि हम एक दूसरे के कॉन्सेप्ट्स को ठीक एक जेन्युइन तरीके से उसको एक्सेप्ट करें, समझने की कोशिश तो करें। मेरा वो जो 342 आपको शब्द देने का मतलब था कि केवल यार वुमेन को जिस अर्थ में समझते हैं, कम से कम स्त्री को उसके संदर्भ में तो समझ लें। हम वो दोनों को ऐसे घालमेल कर देते हैं कि हम कितनी हिंसा कर जाते हैं, वैचारिक हिंसा, और उससे जो है वो समाज में फिर परवर्शन आती हैं। हम मतलब जब आप शोभा डे और इस तरह के कमला दास लोगों को पढ़ने लगते हैं तो फिर वो बहुत गड़बड़ होने लगती है। मैं ये नहीं कहता कि संस्कृत बिल्कुल ठीक है या संस्कृत वाले तो अपने दड़बे में बंद है। एक मैं आपको बोलने एक कविता सुनाता, अंग्रेजी कविता है, सुनाने वाली नहीं, वो लिख के दिखाने वाली कविता है, क्योंकि वो लिखी ऐसे गई। अंग्रेजी में औरत को वुमन कहा जाता है जी, WOMAN जी। ठीक है,
एक गोवा की कवित्री है डिसूजा करकर, चेयरमैन डिसूजा, उसने कविता लिखी विमेन को, स्पेलिंग गाइड टू विमेन। उसने लिखा डब्ल्यू ओ ई फिर एम ए एन, फिर डब्ल्यू डबल ओ एम ए एन, फिर डब्ल्यू एच ओ एम ए एन। ठीक है, ठीक है। उसने पूरा लिखा, फिर आखिर में लिखा कि औरत का काम आदमी को भू करने का रह गया, उसके दुख दर्द बढ़ाने का रह गया, या वो पता है तुम हो कौन। अल्टीमेट उसने लास्ट लाइन लिखी नो विमेन। तो आप कह रहे ना कि इसमें इतने शब्द हैं, इतने, मैंने आपको बता दिया कि विमेन की स्पेलिंग गाइड पांच शब्द से खड़ी कर दी। ठीक है, लेकिन इस, चलिए मतलब बात तो केवल इतना है कि जो हम लोगों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पे अंग्रेजी को हम एक्सेप्ट करते हैं और करना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त तो वो दुनिया भर है, उसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। लेकिन अपने भाषा अपने आधार पे खड़े होकर हम विश्व साहित्य को देखें, विश्व की वैचारिकता को अप्रिशिएट करना सीखें और उसको जितना संभव है उसको अपने में एकमुलेट भी करें, सिंथेसाइज भी करें, लेकिन उसको एक मर्यादा जरूर दें। नहीं तो वो फिर वही हो जाता है कि जैसे वो कई बार गाने सुनने को मिलते हैं ना कि भाई पीली बोतलां थे चकलियां बंदूकां, वो उस तरह के लेवल पे भी चीजें चली जाती हैं। तो उसमें हमें मैंने क्या कहा, जी बिल्कुल, जब तक हम, दिक्कत पता क्या होती है, सब विकृतियां जो आती हैं, विकृतियां इसलिए आती हैं कि हम डायलॉग करते हैं। जी जी, यही दिक्कत आ रही है। तो ये इसीलिए था कि हम एक डायलॉग की संभावना को तलाश करें और इसीलिए हमने आपको सादर आमंत्रित किया। और वाकई आपने अपने हृदय की बात कही, मैं सचमुच आपको अप्रिशिएट इस बात के लिए कहूँगा कि आपने बिल्कुल अपने हृदय की बात कही है और जो अपने भीतर आप जिस दृष्टि से आप महसूस करते हैं सारे विषय को, वो आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो मुझे लगता है कि अब वक्त है कि हम कुछ लोगों की भी चर्चा सुन लें, बातचीत सुन लें, किसी के प्रश्न हैं, जिज्ञासाएं हैं, आक्षेप हैं, डिसएग्रीमेंट है, मोस्ट वेलकम। ये प्लेटफॉर्म इसी के लिए है, हर तरह से बातचीत के लिए ओपन है। और एक हाथ सबसे पहले किसी का खड़ा किया था, चित्रंजन। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर, डॉक्टर चित्रंजन दयाल कौशल जो है ये डायरेक्टर हैं संस्कृत अकादमी हरियाणा के और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उसके बाद डॉक्टर पवन सेठी मुंबई से हमारे साथ हैं। जी, बस मेरा तो निवेदन यही है कि सबसे पहले तो आशुतोष जी आपने ये संवाद शुरू किया है और ये जो वाद विवाद नहीं है, ये राग द्वेष नहीं है, ये एक दूसरे को समझने समझाने का प्रयास है। और अक्षय जी ने तो कमाल ही कर दी है, मैं कहता हूँ ये वाकई हाँ इसी की जरूरत है कि तो मैं तो खुद कहता हूँ कि हमें कहते हैं कि ये संस्कृत वाले हैं, ये हिंदी वाले हैं, ये अंग्रेजी वाले हैं, अलग अलग नहीं होना चाहिए। हम भाषा वाले हैं, हम एक संस्कृति वाले हैं, हमारी संस्कृति विश्व संस्कृति है, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। जो हम आपने कहा ना कि राग द्वेष तो वहां रहता ही नहीं है, बात भी सही है। यदि हम सही अर्थों के अंदर भाषा प्रेमी हैं, साहित्य प्रेमी है, संस्कृति प्रेमी है, तो उसमें इसका तो प्रश्न नहीं है। वी एंजॉय एवरी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, वी रेलिश इंग्लिश, वी रेलिश जर्मन, वी रेलिश रशियन, वी रेलिश एवरी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट इज द ब्यूटी ऑफ आवर कल्चर, इंडियन कल्चर। वी आर बेसिकली मल्टीलिंगुअल पर्सन, वी कैन लर्न एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, वी कैन स्पीक एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, and better than those who claim that we are natives of this language. Right, even sir, then, अब मैं देख रहा था कि आपने जो वेदना प्रकट की है कि हमने कैटेगरी में बांध लिया अपने आप को, अपने अपने किले बना लिए हैं, वो किले तोड़ने होंगे, झूठे किले हैं ये। असली साहित्य और असली जो रचना है, असली कलाकृति, असली उपन्यास वही प्रभावित करेगा जिसके अंदर सब संस्कृतियों का जो उच्चतम निकष है वो होगा, वो प्यार दिखाई देगा। अब आप गोदान इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, और जो भरतनाट्यम है वो भी अनुवाद करके पढ़ाते हैं,
किंतु अनुवाद के साथ साथ यदि वो संस्कृत भी पढ़ाई जाए ना, हिंदी भी पढ़ाई जाए, तो ज्यादा एंजॉय होगा। जो ये एक मल्टीलिंगुअल कल्चर होता है और मल्टी फैकल्टी, उसकी जरूरत है। पहले शास्त्री के अंदर इंग्लिश का पेपर भी होता था, हिंदी का पेपर भी होता था, हिंदी एमए के अंदर संस्कृत पेपर होता था, इंग्लिश वाले संस्कृत को पढ़ते थे, संस्कृत वाले इंग्लिश के विद्वान होते थे। तभी ये जो हम उदाहरण देते हैं राधा कृष्ण जी का, योगीराज अरविंद जी का, रविंद्रनाथ ठाकुर का, ये सारे के सारे इन उदात्त भावों को और सब भाषाओं के विद्वान थे। ये जो हम विवेकानंद जी का उदाहरण देते हैं, ये कोई छोटी मोटी हस्तियां नहीं थे। इन्होंने उस वैश्विक परिदृश्य के अंदर जब अपनी बात कही, उसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनके अंदर कोई राग द्वेष था ही नहीं, प्यार था। उस प्यार से सभी प्रभावित हुए, उस ज्ञान से सभी प्रभावित हुए। तो ये जो दृष्टि है, इसकी इसकी जरूरत है। और ये जो अंगिरा जी ने शुरू किया हुआ है कि सबको बुला करके, सबको साथ लेकर के, ये उसी की ही सफलता है कि संवाद स्थापित हो। मेरी मेरी अपनी बड़ी इच्छा करती है कि इंग्लिश वाले लोग बुलाएं और भाई हमारी बात भी सुन ले, हम भी बताएंगे कालिदास और शेक्सपियर का कैसे तुलना है और कैसे उसके अंदर सौंदर्य है। ये जो आपस में हमने कंपार्टमेंट्स बना लिए है ना, भाषाओं के, साहित्य के, और गुटबंदी कर ली है, इसको तोड़ने की जरूरत है। और इसकी और आप सबकी वेदना भी है, और मेरा तो बड़ा प्रयास है और बड़ी भावना है कि हमारे जो अकादमी है वो अब एक कर दी है, हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। चाहे मैं संस्कृत प्रकोष्ठ का हूँ, किंतु यहाँ अंग्रेजी के विद्वान भी आए, आप जैसे इनको लेके आना हमें सबको, ठीक है ना, सबका सम्मान भी करेंगे हम और इस सम्मान को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जी, डॉक्टर पवन सेठी जी मुंबई से, एंड देन फॉलोड बाय डॉक्टर पवन भारद्वाज जी, एंड देन वन मोर। जी डॉक्टर पवन सेठी जी, नमस्कार सभी बंधुओं को, और विशेष तौर पर जो प्रबुद्ध वक्ता हैं उनको मेरा प्रणाम। भाषा पर चर्चा हो रही है, एक संस्कृत के श्लोक का एक छोटा सा हिस्सा है, आनो भद्र कृत्वो यन्तु इष्टतः, लेट द नॉलेज कम फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। और नॉलेज है वो एक विचार है, विचार के लिए एक भाषा की जरूरत होती है। भाषा जो होता है वह एक प्रकार का वाहन है, व्हीकल है, जो संवाद का और कम्युनिकेशन का जरिया बनता है। मैं मानता हूं कि भाषा जो है उसमें अर्थ होता नहीं, उसे अर्थ दिया जाता है। कंपार्टलाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज हमेशा विश्व के स्तर पर साझा है और वो साझी रहनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार से भाषा विघ्न या दीवार नहीं बननी चाहिए। जी, और एक भाषा से दूसरी भाषा के अंदर आना जाना लगा रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम अपनी मानसिक ग्रंथियों से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, हम अपने घेरे खुद बना लेते हैं। जब हम अपने आप को दूसरों से बेहतर जाहिर करने की कोशिश करते हैं, समस्या वहीं से खड़ी होती है। क्या तो हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हैं या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हैं। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये है कि हम लोग ब्रिटिश राज में रहे, हम 200 साल 250 साल गुलामी में रहे, तो हमें ये लगा कि हमें उनके जैसा हो जाना चाहिए। रंग में रूप में तो ना हो पाए चाहे, परंतु बाकी डॉक्टर साहब थोड़ा सा ब्रीफली रखें, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं। हाँ, बहुत सटीक और ब्रीफ। जी, तो मेरा जो कहने का तात्पर्य यह है जी कि भाषा जो है उसके वातायन खुले रहें। जी, क्योंकि क्या है कि जब हम अपने किसी प्रकार का संवहन कर रहे हैं अपने विचारों का, तो उसमें भाषा रुकावट ना बने कि मुझे संस्कृत नहीं आती तो मैं इस भाषा में मैं कैसे इस विचार को समझूं।
तो मेरा यह है कि प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज जो है एकेडमिशियंस तक ठीक है, लेकिन आम जनता तक आने के लिए वो लैंग्वेज जो है बहुत फ्लूइड होनी चाहिए। आप देखिए कि अंग्रेजों ने भी जो है जहाँ जहाँ राज किया, आज भी वो अपनी डिक्शनरी के अंदर हिंदी के वर्ड्स भी जोड़ लेते हैं जी, तो उससे उनकी भाषा समृद्ध ही हो रही है जी, और जी। हम जो है जितना ज्यादा प्योरिटी की तरफ, जितनी ज्यादा हम उसकी भाषा की पवित्रता की ओर ध्यान देते हैं, उतना ही हमारे अंदर संकुचन आता जा रहा है, हम उतने ही कम जो है उड़ते चले जा रहे हैं। और दूसरा यह है कि हमारी एकेडमिक, जिसको बोलेंगे हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी कुछ ऐसी रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितने भी इनिशियल जो हमारे यहाँ के एजुकेशनलिस्ट रहे हैं या फिर जो हैं जो कि पॉलिटिशियंस रहे हैं, वो भी कहीं पर जो है अंग्रेजियत से ग्रसित थे, जिसका नतीजा ये हुआ है कि हमारी आज की जो है जिसको बोलेंगे कि हमारी जो विद्या देने की जो एक सिस्टम बना है, एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है, वो कहीं ना कहीं जो है काफ़ी दोषपूर्ण है, जिसके कारण से जो है नस्ल की नस्ल जो हैं पिछले 60 साल 70 साल जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं बिखर सी गई हैं। और भाषाओं की लड़ाई जी सर, मैं डॉक्टर साहब मुझे ना थोड़ा रोकना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब की ना अभी क्लास है, इसके बाद अभी यहाँ बोलने के बाद फिर उनकी क्लास है। मैं ये मान के चलता हूँ भाषा की प्रायोरिटी के बजाय जो है इसकी कम्युनिकेशन पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, मेरा यही पॉइंट है कहने का। हाँ धन्यवाद, बहुत बहुत आभार डॉक्टर पवन भारद्वाज जी, देन फॉलोड बाय डॉक्टर हरप्रीत भाजपा जी। सादर नमस्कार सभी विद्वान साथियों को। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम आज ये मल्टी भाषा का इस प्रकार से रखा है, मेरे लिए बहुत ही अवेटेड था। मैं इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ यहाँ पे, लेकिन ये जो लैंग्वेजेस के अक्रॉस की एक इस तरीके के प्रोग्राम की आवश्यकता थी, बहुत समय बाद जिसकी आवश्यकता थी, ये प्लेटफॉर्म एक मिला। डॉक्टर साहब आशुतोष साहब ने जो विचार रखे और उसके बाद अक्षय साहब ने जो विचार रखे डॉक्टर साहब ने, वाकई ही एक कलियां खोलने वाले हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है। मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए यही कहना चाहूंगा कि इस तरीके के प्रोग्राम होते रहने चाहिए और ये बाउंड्रीज जो हैं इनको, जैसा कि चारों तरफ से हमारी सहमति बनती नजर आ रही है, इन बाउंड्रीज को हमें मिटिगेट करना चाहिए। ऑल टुगेदर तो नहीं टूटेंगी, बट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, हम इसको कहीं ना कहीं मिटिगेट करने में जरूर कामयाब होंगे। हमें चीजों को एक सामंजस्य के साथ, एक दूसरे की सहभागिता के साथ लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, बजाय कि कंपार्टमेंटलाइजेशन करें हम कि ये हिस्सा उसका है, ये अंग्रेजी वाला है, ये संस्कृत वाला है। भाषा संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी सारी अपनी जगह महत्व रखती हैं, लेकिन एक इनका समावेश की हमें आवश्यकता है और एक हेल्दी डिस्कशन की आवश्यकता है। इस उम्मीद के साथ में जी मैम जी नमस्कार सभी को, अक्षय सर को डीप रिगार्ड्स, आपको आशुतोष सर को, जितने भी डिग्नेटरीज यहाँ पर जुड़े हैं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। मैं बस छोटी सी ऑब्जर्वेशन अपनी दूंगी जो वुमन के लिए 300 शब्द संस्कृत में भाषा में दिखाए गए और समृद्धता इसकी हमें उसके साथ रूबरू करवाया गया। बड़ी थोड़ी देर के लिए स्लाइड थी, बस 3 शब्द मेरी आंखों में जो है निकल गए। एक था अबला, जिसका मतलब है वन हु हैज लेस स्ट्रेंथ। वुमन का ये सिनोनिम इट्स हाईली ऑब्जेक्शनेबल, जैसा कि अभी एक ऑब्जर्वर ने बोला पीछे ही कि भाषा जो है अर्थ हम उसको देते हैं। तो किसी भी भाषा, कोई भी भाषा एक संस्कृति का कैरियर है और उसमें आने वाली जितनी भी विसंगतियां हैं सोच की विचारधारा की, उन अर्थों को हमें बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करके वैल्यू सिस्टम सर इंस्टॉल अच्छा करना है। और सभी भाषाओं का आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है। एक जगह अबला था, एक जगह वन हु हैज ब्यूटीफुल आइज, सॉरी ये कितना ज्यादा हम उसको किस तरह डिफाइन कर रहे हैं वुमन को। वन हु हैज ब्यूटीफुल आइज, beautiful is he who beautiful does, don't we agree with that? Tisra shabd aaya, one who gladdens her husbands and fulfills his desire, ramaniyata aur ramaniyak, aise karke wo shabd aaya tha patriarchy ki, usme pura ka pura jo feelers aa rahe hain। to is tarah ke 300 shabd mein se agar 3 shabd mere ko aise dikh gaye quickly,
जिसमें मुझे इस तरह का एक क्रिटिकल मेरा फटाफट से थॉट चल पड़ा, आई रियली नीड टू यू नो स्ट्रेस दिस, कि ऐसा ही कुछ हमें अंग्रेजी और पंजाबी और किसी भी भाषा में हमें अगर नजर आता है, वी एज यू नो अवेकनिंग पीपल वी मस्ट ट्राई टू एलिमिनेट दीज things okay. from our minds, ideologies and our languages also, and make it respectful based on justice and equality and respect for all. Ji ji. That's all. Thank you so much. I will share these words with you and with context. तो जब आप उसको कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आपको अबला का अर्थ जिस रूप में आप समझ रहे हैं ये अबला उस रूप में नहीं है. ये प्रेम के भाव में जो है संतान के आगे और जिस रूप में बनती है ये उस संदर्भ में है. लेकिन चलिए मैं आई विल शेयर दीज वर्ड्स विद यू, आप मुझे शेयर कर दीजिएगा जी. इसके बाद रवि मधुसूदन जी एंड देन वी हैव डॉक्टर एन आर सर गोपाल जी. जी प्लीज बी वेरी ब्रीफ. सभी को नमस्कार सर. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर कि यदि किसी भी भाषा में किसी मूल ग्रंथ को यदि ट्रांसलेट किया जाए तो क्या वो भाव को व्यक्त कर पाएगा जिस भाव से कवि अथवा लेखक ने लिखा है. ये तो यदि ट्रांसलेशन करने वाला उस भाव में जब तक नहीं विभोर हो पाएगा, जब तक डूब नहीं पाएगा सर, तो वो क्या उस चीज को ट्रांसलेट कर पाएगा. जैसे जिस प्रकार से हमारे ग्रंथों के ऊपर टीकाएं उपलब्ध हैं कि वो उस अपनी भावनाओं से. जी मैं समझ गया आपकी बात. कमेंट्रीज और ये जो है सब कमेंट्रीज उसके ऊपर हैं, वो उस अर्थ में है. चलिए आपका ये सवाल हम रख लेते हैं अभी, डॉक्टर साहब लास्ट में इसके ऊपर कमेंट कर देंगे. लेकिन फॉर द टाइमिंग एन आर गोपाल जी. जी सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. एन आर गोपाल जी. जी नमस्ते. काफी सारगर्भित आपका ये वक्तव्य था, सुनकर बहुत अच्छा लगा. बहुत सारे ऐसे भी विषय थे जिस पर कई प्रकार के प्रश्न भी आ रहे थे. विशेष करके जब आपने बताया कि यहाँ पर आकर के अंग्रेजों ने 20-20 साल 25 साल रह करके उन्होंने हमारे भाषाओं को सीखा और उसके संदर्भ में ही उन्होंने हमारे जितने भी इस प्रकार के क्लासिक्स थे उसको उन्होंने अनुवाद किया और उसको पूरे वैश्विक पटल पर भी ले गए. ये एक अच्छा विषय जो आपने हमारे समक्ष रखा. लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है जब आप मुनियर विलियम्स का वो डिक्शनरी देखते हैं तो उसके इंट्रोडक्शन में वो जिस प्रकार के भाव रखते हैं वो आपके इस विचार से साम्य नहीं रखता है. उसके पीछे भी एक कलुषित मानसिकता के साथ ही उन्होंने इस प्रकार के उपक्रमों को अंजाम दिया. ये एक विषय बहुत सारे हैं लेकिन समय अभाव है इसलिए मेरा यहीं पर इतना ही मैं कहना चाहूंगा. धन्यवाद सर. आप अपना परिचय दे देंगे. गोपाल जी आप कहां से हैं? मैं नंदूरी राजगोपाल केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में सह आचार्य इस पद पर. जी जी जी. वेरी ब्रीफली किसी और का कोई टिप्पणी है कोई है तो फिर मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ कि भी वो अपना जो है वो शब्द हमारे साथ करें. किसी और पे कोई प्रश्न टिप्पणी? जी गुप्ता जी वेरी ब्रीफली सर. सर केवल इतना कहना चाह रहा हूँ हैरी बेवेजेज ने जब बात की अबला वाली तो मुझे एक याद आ गया तीसरी कसम फिल्म का सीन जिसमें राजपूर अपना हीरो जो है उसका नाम है हीरामन और जो हीरोइन है उसका हीराबाई. तो जब वो हीराबाई अपना परिचय देती है तो राजपूर उस समय ये कहता है उसको कि भाई स्त्री और पुरुष के नाम में लेकर वो एक टिप्पणी करता है क्योंकि हीरा का अर्थ वो उस. तो मेरा केवल इतना कहना है कि जो भी शब्द आए हैं हमारे उनको हमें संदर्भ के साथ देखना चाहिए
ना कि अक्षश है उसके अर्थ के अनुसार, मीनिंग के अनुसार। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, मुझे लगता है अब यहीं पे हम रोकते हैं क्योंकि समय हो रहा है, तो मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर अक्षय जी से कि वो फाइनल कमेंट्स इस सारी चर्चा के ऊपर दें और हमारे लिए भविष्य का, अगर कोई उनके मन में विचार आता है कि भविष्य में हम क्या उद्यम कर सकते हैं तो इस पे। जी सर, जी अक्षय जी, मैडम इंदु, लेटर ऑन वी विल टेक योर क्वेश्चन। अच्छा, पहली बात तो उन्होंने कही कि ट्रांसलेशन में इतना किस हद तक हम ओरिजिनल टेक्स्ट को पकड़ सकते हैं, उसकी गहराइयों को, सूक्ष्मताओं को समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि ट्रांसलेशन पे इतना दबाव ना डाला जाए और ट्रांसलेशन को देखिए हम करते क्या हैं, ट्रांसलेशन के जवाब हम ट्रांसलेशन को करते हैं दूसरे संस्कृतियों के लोगों के लिए या जिनको वो भाषा नहीं आती। होता क्या है, हम उस एक ट्रांसलेटेड कृति को पकड़ते हैं और उसकी नुक्ताचीनी में लग जाते हैं क्योंकि हम ओरिजिनल भाषा को जानते हैं, वो आपके लिए बनी नहीं है, वो ट्रांसलेशन आपके लिए लिखी नहीं गई है। हम ओरिजिनल भाषा, क्योंकि मैं जैसे हिंदी की कोई उपन्यास उठा लूं और उसका अंग्रेजी उपन्यास, उसका अंग्रेजी रूपांतरण पढ़ के शुरू कर दूं और ये कहूं कि लॉ जी अब इसने इस भाषा को, इस शब्द को इसने ऐसे कैसे लिख दिया, इसने उसको ऐसे कैसे लिख दिया, जबकि वो ट्रांसलेशन का मैंडेट ही नहीं है कि उसको ओरिजिनल नेटिव लैंग्वेज वाला बंदा पढ़े, वो दूसरी भाषाओं के लिए पढ़े। और ट्रांसलेशन में क्या होता है, ये प्रोसेस ऑफ गेन लॉस, ऐसा नहीं कि उसमें केवल चीजों, ट्रांसलेशन में एक नई रचना पैदा होती है। मैं वो लॉस एंड गेन के पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता हूं। चीज कौन सी चीज है जो ट्रांसलेटेड नहीं है, इवन यदि यदि मूल अर्थों में देखा जाए, ऑन्टोलॉजिकली देखा जाए, तो हर चीज ट्रांसलेटेड है भाई। तो ट्रांसलेशन में तो ये हम अब रचना बनकर जो आई है उसको देखें, उसकी अपनी, उसमें अपना कितना दमखम है, उसकी संरचना कितनी सुदृढ़ है, उसके अंदर क्या है, इमोशंस को किस तरह से उसका वहन किया गया, वो इंपॉर्टेंट बातें हैं, बजाय कि हम लेकर ओरिजिनल से कंपेयर करना शुरू कर दें और फिर उसके कहें कि जिसमें तो ये। दूसरी बात मैं ये कह रहा था, जो मैं बार बार कहता हूँ, कि ट्रांसलेटर को फ्रीडम दो। होता क्या है, और मैं वो अक्सर कोट किया करता हूं कि मणि राव एक ट्रांसलेटर है, उसने गीता ट्रांसलेट की और वो कह रहे कि गीता का ट्रांसलेट करते वक्त मुझे लगा कि हम गीता का ट्रांसलेट करने से पहले ना उससे इंटीमिडिएट हो जाते हैं और उससे इतना ज्यादा अभिभूत हो जाते हैं कि उसमें एक जो वांछित स्वतंत्रता वो नहीं दे पाते। तो होता है, अब यदि हमने उस टेक्स्ट से उसके आक्रांत में ही जीना है तो हम एक, मैंने ये बहुत नोट किया है कि एक ट्रांसलेशन का काम उसको इंटरप्रेट करना भी होता है, उसको समझाना भी होता है, साथ में उसको एक टेक्स्ट को एक दूसरी संस्कृति में ले जाना के अलावा उसको एक आफ्टर लाइफ देना भी होता है, नई जनरेशन से उसे संवाद में खड़ा करना होता है। तो ट्रांसलेशन मुझे लगता है कई बार उसको हम इतने कठोर मानदंडों में मत देखें कि ओरिजिनल का कितनी सूक्ष्मता से और कितना, कई बार ट्रांसलेशन की जो कृतियां हैं, अब हमने जिंदगी भर काफ्का पढ़ा है, यहाँ पर जिंदगी भर कैमो पढ़ाया हमने, कभी जहन में ही नहीं आया कि ट्रांसलेटेड कब पढ़ाया है, हमने टॉल्स्टॉय पढ़ा डाला है, यहाँ पर एरिस्टोटल पढ़ा डाला, आधे अंग्रेजी के जो छात्र वहां पढ़ गए उनको पता ही नहीं होगा कि ट्रांसलेट क्यों, उन्होंने ट्रांसलेशन पढ़ा इस, जब तक उनको बताया जाए कि काफ्का तुम पढ़ रहे हो ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो, यदि हम ट्रांसलेशन में उलझा देंगे तो फिर गया मामला। तो ट्रांसलेशन को लेके मेरा ही आग्रह, थोड़ा सा हम दरियादिली रखे, थोड़ा खुले मन से विचार करें और उससे क्या होगा, कम से कम दो चीजें होंगी कि ट्रांसलेशन से टेक्स्ट की एक एक, एक उसको पुनः एक नई जिंदगी मिलती है, एक नया उसमें संभावना, अच्छा ट्रांसलेटर भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो कुछ नया बनेगा, और इससे डरना चाहिए कि उसमें कोई डिस्ट्रक्शन पैदा होगी, यदि ट्रांसलेशन होगी तो उसको पड़ेगा भी नहीं, एक तरफ पड़ जाएगी, इतनी ट्रांसलेशन सब ट्रांसलेशन मकबूल नहीं होती है, उस ट्रांसलेशन मकबूल होती है, अपने आप छट जाता है। Right. था आपका मोनी विलियम्स को लेकर और ये की, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये जो आप कह रहे हो ना कि हमारे विद्वान भी उस तरह का काम करते जो मोनी विलियम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहे, बात ये है कि मैं आज भी मैं मानता हूं मोनी विलियम 20 बात बुरी करें, लेकिन मेरे मन में आदर है कि उसने 20 साल लगाए,
उसने आगे गलियों की खाक छानी है, वो घाट घाट घूमा है, उसने आर्काइवल काम किया है। पॉलिटिक्स को हम उसकी पॉलिटिक्स फिल्टर कर लेंगे ना अपने लेवल पर, लेकिन एक मैं अब इस तरह के लोग जिन लोगों ने इस तरह की जो जो थोड़ी बहुत कल्चरल पॉलिटिक्स की है उसको हमने पकड़ा भी है, और लेकिन मैं आज बता रहा हूँ आज भी, चलो अब तो कुलन सुंदर खत्म हो गए, शेल्डन के पीछे, रिचर्ड शेल्डन के पीछे पड़, अब बोलो कि अब शिकागो मूर्ति क्लासिक्स के पीछे पड़ जाओ, इतना प्योरिस्ट जो एंगल है, इतना प्योरिस्ट एंगल जो है, हमें तो कुछ करने देगा ही नहीं ना, कुछ होगा ही नहीं फिर तो जी। अपने लेवल पे हम अपने नेगोशिएट करें, ठीक है हमें लगा बुरा उसको, लेकिन हमें कहीं ना कहीं एक फिर मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा प्योरिस्ट स्टांस से भला नहीं होने वाला जी। हालत क्या हो गई है कि यदि मैं पंजाबी के गुरु ग्रंथ साहब को ट्रांसलेट करूं तो मैं करने से पहले डरता हूं, करने से पहले डरूंगा मैं, क्योंकि बैकलैश की संभावना है। तो जो चीज ट्रांसलेट हो सकती थी ट्रांसलेट नहीं हो रही है क्योंकि बैकलैश की संभावना है। इससे इससे ग्रंथों का ग्रंथों की ग्रंथ ग्रंथ जो फॉसिलाइज हो जाते हैं जी जी। You want to say something, add? No. I fully agree with you. पूछा यही है। तो मुझे लगता है क्योंकि आपका क्लास का भी समय हो रहा है, तो उससे पहले एक औपचारिक रूप से वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करने के लिए आई एम रिक्वेस्टिंग डॉक्टर रेणुका ध्यानी जी, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश और माता मनसा देवी गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज, शी इज द कन्वीनर ऑफ दिस सेमिनार, सो आई रिक्वेस्ट हर टू प्लीज प्रपोज अ वोट ऑफ थैंक्स। आप सबका बहुत ही आभार, और इंग्लिश यहाँ पर दोनों ही चल रही है लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश, बट आई वुड बी मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, सो टू एक्सटेंड अ वोट ऑफ थैंक्स आई हैव बीन असाइंड दैट ड्यूटी। द मोर सेशंस ऑफ एकेडमिक कर्मा आई अटेंड, द मोर आई रियलाइज दैट हाउ लिटिल वी ऑल, एटलीस्ट आई नो, एंड हाउ मच मोर देयर इज टू एक्सप्लोर, इन्फिनिट नॉलेज एक्सपेंसिव इन लेंथ ब्रेथ एंड मोस्टली इन डेप्थ। So to contribute in our learning experience through the sessions of Academic Karma, we have as resource persons, inheritors of comprehensive knowledge who widen not just our ken of knowledge, but also teach us how totally contrasting opinions, ideologies and view they can coexist harmoniously. The participants today, they have been witness to this through the interaction with Professor Akshay Kumar. So on behalf of our college, Sri Mata Mansa Devi Sanskrit Government College, Panchkula, and the institute that Dr. Ashutosh is running, he's the director of that institute, the Institute of Applied Sanskrit Shastriya Knowledge, I extend a very, I am really indebted to Dr. Professor Akshay Kumar for his enlightening lecture. And he has provided us enough food of thought on an intriguing topic, the critique of the ambivalent relationship of Sanskrit and English literature. And thanks to you, sir, for bringing to fore the fact that English and Sanskrit, they share a golden handshake, which you, as you have said, it should be extended to other languages also, as it is envisioned in the National Education Policy 2020 as well. So through this platform, I would also like to thanks Shri Chitranjan Dayal Kaushalji, director of Haryana Sahitya Sanskrit Sahitya Academy, aur yahan par main unse ek request bhi karna chahungi is platform ke zariye, kyunki wo multilingualism ki bare mein baat kar rahe the, to unki jo journal hai wo Sanskrit aur Hindi mein nikalti hai, to ek bar humne request ki thi unke wahan par ki ye please aap isko English ko bhi isme include kijiye, to unhone kaha tha aapke director se hum baat kare, so please take it as a request ki aap English ke bahut se scholars hain jo Indian studies aur Sanskrit mein interested hai, to at least aap unke jo articles hain unko include kare apni journal mein. And I'm also thankful to my principal Mrs. Rita Gupta, who is encouraging us to take up more such initiatives, aur Dr. Ashutosh jo hai unke sath to hum lage hue hain, wo bahut tarah ke initiatives jo hai hame bata rahe hain. Recently he has introduced Sanskrit shastra pe jo based games hain, उनको उन्होंने हमारे कॉलेज में एक वर्कशॉप करके और उसको हमने एक इंटरनेशनल सेमिनार में भी डेमोन्स्ट्रेट किया है और आगे भी हम उसको ले जाएंगे. एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स टुडे.
I had sent messages to a few groups and Himachal से मुझे बहुत खुशी हुई. हिमाचल से बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया है, गुजरात से ज्वाइन किया है और पहले के जो हमारे और रायपुर रानी से सर ने ज्वाइन किया. सो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल दीज पार्टिसिपेंट्स. और मैं सिर्फ एंड करते हुए ये कहना चाहूंगी, मैं अबू बिन एदम की पोएम थी जो जिसके अबू बिन एदम के बिन एदम के बारे में कहा गया था, मे हिज ट्राइब इंक्रीज. सो इट वॉज अबाउट द पीपल, बट हियर आई थिंक दिस ट्राइब हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म इज बाउंड टूगेदर बाय देयर इंटरेस्ट एंड लव फॉर लैंग्वेजेस है साथ में, लेकिन हम बैक टू रूट्स जाना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि संस्कृत में हम किस तरह से वहां से ले सकते हैं अपनी लैंग्वेजेस के लिए. सो आई wish that this tribe also increase. With these words, I thank all of you. Thank you very much. धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार. धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार, विशेष रूप से डॉक्टर प्रोफेसर अक्षय जी का. और मैं चाहूंगा कि वो हमारे साथ जुड़े रहें, थोड़ा समय जरूर हमें प्रदान करें. और सर, मैं एक आप सबके एवेल्युएशन के लिए बहुत जल्दी ही संस्कृत शास्त्रीय लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑफ इंग्लिश नॉवल्स ये एक मॉडल जो है वो शेयर जरूर करना चाहूंगा और आपके कमेंट्स उसके ऊपर जरूर चाहूंगा. और बहुत जल्दी आपसे दोबारा संपर्क करेंगे. बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला और अभी आपकी क्लास है इसलिए मैं ज्यादा आपसे बात नहीं कर रहा इस वक्त, अभी ज्यादा नहीं. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू गोपाल जी एंड थैंक यू एवरीवन. मैडम हरप्रीत बवेजा जी, डॉक्टर पवन शर्मा जी, पवन सेठी जी, मैडम मीनाक्षी और भी सभी लोग. और जो मैडम आप अपना वो शेयर कर दीजिएगा. हाँ जी सर, सर लिंक शेयर किया है. हाँ जी, आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू प्लीज गो टू द चैट बॉक्स, वहां पर हमने लिंक शेयर किया है, उसको हम ओपन रखेंगे अभी थोड़ी देर तक. प्लीज फिल इट अप फॉर द सर्टिफिकेट्स व्हिच विल बी प्रोवाइडेड जॉइंटली बाय द कॉलेज एज वेल एज द इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड संस्कृत शास्त्रीय नॉलेज. और आप लोग इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना चाहें तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं. मैं नंबर शेयर कर देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आने वाली जितनी भी सूचनाएं हैं, क्योंकि बड़े डिफरेंट विषय रहते हैं ये, कोई ये बहुत सारे विषयों में से एक विषय था जो संस्कृत इंग्लिश का था, क्योंकि आप सोशल साइंसेज से हैं, साइंसेज से हैं, कहीं से भी हो सकते हैं. यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर योर थाट्स. अगर आप किसी विषय पर बोलना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. तो मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर, तो आप एक बार उस पर अगर आपकी रुचि हो तो आप मुझे उस पर सूचना दे सकते हैं. थैंक यू एवरीवन. उसके बाद आप छोड़ सकते हैं फॉर्म भर के.